आइए सर। ये निगेटिव डेवलप करके दे दीजिए। सर ये रोल कैमरा है, अगर डिजिटल कैमरा होता तो 10 मिनट में डेवलप करके दे देता। इसे डेवलप करके प्रिंट करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा सर। आप इंतजार करेंगे या 1 घंटे बाद आएंगे? ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ठीक है सर, आप उधर बैठिए। ओके। हर किसी की जिंदगी में होने वाली हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ खास वजह जरूर होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में जो हादसे हो रहे हैं उसकी वजह क्या है मैं आज तक जान नहीं पाया। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इस फोटो में मैं और रजनी हैं। वो मुझसे 1 साल बड़ा है। हम दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन हम दोनों में एक खास डिफरेंस है। रजनी का कटा हुआ होठ, जिससे वो ठीक से बोल नहीं पाता। हम बचपन से ही बिना बाप के जीते आ रहे हैं। पिता के देहांत के बाद हमारी सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही आ गई थी। मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। रजनी के कटे हुए होठ की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और मैं भी उसे लड़ता रहता था, इसलिए मम्मी ने हम दोनों को एक ही क्लास में भर्ती करवा दिया। मुझे पढ़ने से ज्यादा खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रजनी को खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई करना अच्छा लगता था। बहन जी, मम्मी को स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी वो बहुत ही कम थी। उसी में से 2 पैसे बचाकर चेतन की मम्मी के पास बीसी शुरू की। मैं नहीं जानती, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। अभी तो मेरे पास नहीं है, आएंगे तब दूंगी, जा। चेतन एक मंद बुद्धि का लड़का है। मैं उससे हमेशा नफरत करता था, लेकिन वो रजनी का बेस्ट फ्रेंड था, क्योंकि रजनी से कोई भी दोस्ती नहीं करता था। तो पैसे नहीं देती। चेतन की माँ के पास हमारी मम्मी जब भी पैसा मांगने जाती तो उन्हें खरी खोटी सुनाकर उसे बिना पैसे दिए लौटा देती थी। इसलिए मुझे भी उनसे सख्त नफरत हो गई थी, और वो नफरत मैं अक्सर चेतन पर ही उतारता था। अरे तू वहाँ क्यों बैठा है, आजा ना बेटा। आ रहा हूँ माँ। मेरा प्यारा बेटा, हट ना, मम्मी तेरा ऑपरेशन करवाएगी और तेरे ऑपरेशन के बाद। अरे हट ना, सीधा नहीं चल सकता। मैं मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत बेटा, हिम्मत से काम ले। ऑपरेशन हो जाने के बाद मेरे बच्चे को मैं नए और अच्छे शूज दिलवाऊंगी। मां मुझे भी शूज। हट ना, चुपचाप खड़ा रहे। मेरी लाल, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे डरने की। मम्मी दिन रात एक करके 2 पैसे बचाकर बीसी में डालती थी, ताकि रजनी के होठों का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। मुझे भी नए शूज चाहिए, बताओ ना कब दिलवाओगी। भाई का ऑपरेशन हो रहा है, वो हो जाने के बाद सोचूंगी। मम्मी हमेशा रजनी के बारे में ही ज्यादा सोचती थी। अगर मैं कुछ भी मांगता तो वो मुझे कभी नहीं दिलवाती थी। मम्मी, भगवान ने मुझे ये दांत क्यों दिया? अच्छे बच्चों के लिए भगवान की तरफ से परीक्षा है बेटा। मम्मी को रजनी से हद से ज्यादा प्यार करते हुए देखकर मुझे उससे जलन होती थी, और इसी जलन को लेकर मेरा पूरा बचपन गुजरा। जो खाना चाहिए वो पका कर खिलाऊंगी, और क्या चाहिए बताना तुझे। रजनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कविता लिखने में और मॉडर्न आर्ट में दिन ब दिन अपना नाम कमाता जा रहा था। ये कैसी पेंटिंग है जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे मॉडर्न आर्ट कहते हैं, आजकल इसी का फैशन है। इसमें बहुत सारी मीनिंग छुपी रहती है। मैं पेंटर से ही पूछता हूँ, सुनिए। मेरी वाइफ को ये पेंटिंग समझ में नहीं आ रही है, जरा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मेरी तो बात नहीं है, मेरे बच्चों को समझ में नहीं आया इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाय बच्चों, ये क्या है ना, ये है बकरी। बकरी एक पेड़ के पास है और पेड़ के ऊपर एक एनाकोंडा सांप है। बच्चों ऐसे नहीं हंसते, अंकल को सॉरी बोलो। जाने दो, कोई बात नहीं सर। नो प्रॉब्लम, चलता हूँ, बाय। बाय बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज इक्वल्स टू। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? यहां साइन चाहिए। साइन कर। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, इसी शुक्रवार को कला प्रदर्शन के साथ साथ
कविता कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। आप में से जो भी कोई हिस्सा लेना चाहता है वो सभी अपने नाम मुझे दे सकते हैं। इट विल बी ए नाइस इवेंट फॉर श्योर। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकाबला तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, रजनी जैसों के लिए है। छोटे बोलना, कल किसी भी सूरत में ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पर क्यों? अगर ये अच्छी कविता लिखकर सुना दिया तो जाने कितनी लड़कियां इस पर मर मिटेंगी, तब मेरी इमेज क्या हो जाएगी, जरा समझा करना। अरे यार क्यों बेचारे को तुम लोग? कौन बेचारा है बे? अगर कोई लड़की इस पर मर मिटी तो वो बेचारी हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, बस कल किसी भी तरह से ये कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसी कोई तरकीब बना। तू यही चाहता है ना, कल ये किसी भी सूरत में हिस्सा ना लेने पाए? तो सुन। हाँ तो बेटा रजनी, कल कविता कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो ना? नहीं सर, एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना है, इसलिए कॉम्पिटिशन में नहीं आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात। सुना? ठीक है, तुम एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है सर। कांता, भगवान हमारे साथ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो कॉम्पिटिशन में खुद ही हिस्सा नहीं लेना चाहता। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम एक रैंक स्टूडेंट हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तो उसे दिखाने के लिए इस तरह बस स्टॉप पर या बाथरूम में बैठकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, और साइंटिस्ट बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। किताब में जितना लिखा है उतना लिख कर पास हो जाओ, बस आ रही है, अब सीधा घर जाओ। अरे लेकिन कांता, तुम घर नहीं चलोगे क्या? लास्ट बेंच पर बैठने वालों को पहले जाना चाहिए। लास्ट बेंच पर बैठने वाले लास्ट में जाएंगे। एग्जाम का टाइम नजदीक है, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, वरना फेल हो जाओगे तो क्या होगा पता है? बेकार की बात करते रहते हैं। ओ दादा, हम लोग अकल के अंधे हैं, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना लिखना, तुम जाओ जाओ। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम का टाइम नजदीक है, इसका तुमको डर नहीं है, जब फेल हो जाओगे ना तो पता चलेगा। बस छूट जाएगी, जाना। मम्मी ने पूछा तो क्या बताऊं? अगर पूछा तो बताना कि चिड़ियों को दाना चुगा रहे हैं। चुप कर बे, 2 घंटे की स्पेशल क्लास है, आने में लेट हो जाएगा कह देना। ठीक है बाबा, कह दूंगा, जल्दी घर आ जाना, लेट मत करना। छोटे कितनी खूबसूरत है यार, और कितनी मासूम भी, चुपके से देख रही है वो। टूट गया यार, इसका भाई कॉटन बाजार का दादा है, इसके लिए तो हलाल भी हो सकते हैं। अबे कहीं का भी भाई हो, अपने को क्या लेना देना। अब तू देखते जा, इसके भाई को मैं अपना साला बनाकर, इसे बीवी बनाकर अपने घर ले आऊंगा। ऐसा लगता है कोई नई नवेली कार अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है, बजाज मोटर कंपनी के मालिक के पोती जैसी है। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मुझे हर जगह तुम ही दिखती हो। और अबे बंद करना तेरी पोएट्री। अरे वहाँ कॉलेज गया तो लेक्चरर का भाषण, और यहाँ तेरी कविता का टॉर्चर। मैं दिन भर का थका मांदा घर पे आता हूँ और तू 2 घंटा चैन से सोने नहीं देता। ऊपर से वो स्वेटर वाली लड़की मुझे सपनों में आकर सताती है, क्यों तुम सब मेरे पीछे मुर्गी की तरह कौ 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 करते रहते हो। ओ स्वीटी, अबे मुझे चुपचाप सोने दे, तुझे पढ़ना है तो डाइनिंग रूम में जाकर पढ़। बेबी, मैं तो जाग गया, फिर भी तुम नजर आ रही हो, तुम भी जाग रही हो। गुड नाइट, चलो बाद में मिलते हैं। मैं
तेरा 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 परमात्मा। मेरी माँ कपड़े 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 सी रही है, मेरे पैंट में वो बटन लगा रही है। बटन टांग दी है। ओहो, चोर को काले कोट का रक्षा कवच। तो चुप भी रहेगा। देख बेटा, अब बारिश शुरू होने वाली है और ठंड भी पड़ेगी, बाहर जाते समय इसे पहन कर जाना। हा? अरे रामा, क्या जरूरत थी ब्रांडेड जैकेट खरीदने की? कितने पैसे खर्च हो गए? अरे ये लेबल तुझे ब्रांडेड लगता है? अरे ये लोकल है। ऐसा क्या? आजकल लोग कपड़े ज्यादा देखते हैं, कपड़े अच्छे पहन कर जाएगा तो इज्जत भी अच्छी मिलती है। अब महंगे कपड़े खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है, बस इसलिए मैंने ये ब्रांडेड लेबल लगाया हुआ है। ओ, हो, काले कौवे पर व्हाइट वॉश करने की तुम्हें क्या जरूरत थी माँ? वो तो धुलने के बाद कभी भी उतर सकता है। क्यों, बड़प्पन दिखाने की ये बुरी आदत तुम्हारे अंदर से कब निकलेगी माँ? मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके बहुत बड़ा ऑफिसर बने, यही मेरी ख्वाहिश है। इसीलिए इसकी रेपुटेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखूंगा ना, वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है या फिर ऑफिस बॉय बनता है, ये मैं अपनी आंखों से जरूर देखूंगा। दे दो दे दो दे दो, सब कुछ दे दो। ये जो उपमा बनाई हो ना, ये भी दे दो उसे। ले बे लंगूर खा। मम्मी, ए काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। अरे काला कौवा, अरे मेरे अरे उसे जाने देना, एक नंबर का नाटकबाज है, उसकी अकल घास चरने गई है। और एक तू है उसका भाई, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है। नया टी शर्ट है, पुरानी जीन्स पैंट है, तो मुंह में चला गया। ओके, किसी तरह भी मेरे दोस्तों से 2,000 रुपया उधार लेकर इमीडिएटली मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई भी आइटम के साथ आराम से पिक्चर देखने का है अपन को। कौन है? क्यों भैया, नया जैकेट मिल गया तो मेरे सामने पहन कर मुझे जला रहे हो? हा? ये ब्रांडेड कंपनी का नहीं, लोकल है। ऐसा क्या, जरा बताओ तो। लो पहनो, ये लो। वैसे तो माँ भी जानती है कि मैं लोकल भी पहनता हूँ तो वो ब्रांडेड लगता है, और तुम ब्रांडेड पहनोगे तो भी लोकल लगेगा, समझ गए ना? चलता हूँ। अरे कांता सुन बे। कांता नहीं, कन्वर लाल बोलो। मैं अभी शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, ढक्कन बंद करके चुपचाप यहाँ पर पड़ा रहे, चलता हूँ। और सुन, मम्मी को अगर तूने इस जैकेट के बारे में कुछ बताया ना तो ये देख, धक्का धक्का, आने के बाद फुल रिपेयर कर दूंगा। बाय। ये क्या, इस छोटे को तो फिल्म लाइन में भर्ती हो जाना चाहिए था, हर तरह की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। छोड़ ना यार, मैं कुछ कर रहा हूँ, इसे सिर्फ लड़के ही दिखाई दे रही हैं। हेलो, हम बॉयज लोग भी हैं। ओके ओके, हाय बॉयज, हाय, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सायोनारा सायोनारा। आज के इस खुशी के अवसर पर हम सब कविता सुनने के लिए तैयार हैं, और तुम सब लोग कविता सुनाने के लिए रेडी हो? कंपटीशन शुरू किया जाए? शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। आप शुरू कीजिए, हम देखते जाएंगे। आज आप लोगों को कविता सुनाकर मनोरंजन करने के लिए आए हैं द फेमस लिरिक्स राइटर मिस्टर साईराज। मोस्ट वेलकम टू मिस्टर साईराज ऑन स्टेज। अरे कैसे लोग हैं यार, स्टूडेंट लेके राउडी है, कैसे बिहेव करते हैं? अरे महाशय, आपने तो आते ही कान में कविता बोलनी शुरू कर दी। स्टूडेंट्स कम राउडी सर। पता नहीं क्या सर, आप कविराज है कि कानराज है? कविता किस तरह की होती है, क्या होती है, इसके बारे में दो शब्द कहेंगे साईराज सर प्लीज। कविता जो है छोटी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बड़ी हो गई तो? बड़ी हो गई तो पब्लिक बोर हो जाती है। कविता हमेशा दिल को छूने वाली होनी चाहिए। नहीं छुआ तो? नहीं छुआ तो और कोशिश करो। कहाँ तक? जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोशिश करो। आप बहुत ही अच्छे हैं। हर कविता भावनाओं से भरी हुई होनी चाहिए। भावना अगर ना हो तो फिर भावना पैदा करनी चाहिए। इतना टाइम किसके पास है यहाँ? कविता पे तालियों की गूंज होनी चाहिए। कविता हमेशा आपकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरे की चोरी कर लेंगे तो बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। तो फिर चोरी कर ले क्या? तो फिर जेल जाने को तैयार रहो। तो फिर ठीक है, खुद ही मेहनत करके लिख लेंगे। थैंक यू। वाओ सुपर।
साहब। तो फिर दोस्तों हम कविता कंपटीशन शुरू करें क्या? तो आपके सामने आ रही है निशा फ्रॉम जय हिंद कॉलेज। एक दिन मैं सड़क से पैदल जा रही थी तो किनारे में मैंने देखा एक छोटा सा कुत्ता का पिल्ला रो रहा था। उसे मैं उठाकर घर ले आई और पाला। अब तो बड़ा हो चुका है। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, आप कविता सुना रही हैं कि कुत्ते के पिल्ले की कहानी? सर, जो मैं सुना रही हूँ वो कविता ही है सर। इसके साथ म्यूजिक अच्छा लगेगा। वो तो आपका ख्याल है, ये तो किसी ट्यून में भी नहीं है। ठीक है, मैं रहमान जी का एड्रेस आपको देता हूँ, आप उनको जाकर दे दीजिए। मैडम आप जाइए और किसी दूसरे को आने दीजिए। सर, किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है, ये अपना छोटा बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है। आप हमारा अगला प्रतियोगी है विनय फ्रॉम विजया कॉलेज। थैंक यू मैडम। आओ मेरी प्यारी सजनी हम चले चांद के उस पार, आओ मेरी प्यारी सजनी चले हम चांद के उस पार, बसा ले अपना वहीं पे घर संसार। पेट की आग ऊपर कैसे बुझाओगे? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अभी वहाँ बिल्डिंग मॉल शहर ऐसा कुछ भी नहीं बना है, तो आपको 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। किसी मरे हुए बिल्डर की बेटी से शादी कर ले, वो तेरे लिए वहाँ घर बना देगी। नेक्स्ट। प्यारी, आज मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ चिकन बिरयानी। कौन वाली से, ब्रायलर या देशी वाली से? नहीं, मरी हुई मुर्गी की। अब हमारी अगली प्रतियोगी है प्रिया फ्रॉम दयानंद सागर कॉलेज। ठंड रहे, बारिश रहे, गर्मी रहे या छाव रहे, सदा तुम मेरे साथ रहना ओ साजना। जब तन बदन जले, आंखों में जब शोला बरसे, तेरी यादों में तड़प कर ओ साजना। टेस्ट में भले ही तुम कड़वे हो, तुम वेस नहीं हो ओ साजना। जब तुम्हें मैं पा लेती हूँ, तन बदन की आग बुझकर शांत हो जाती है ओ साजना। तुम सदा मेरे साथ रहो, मेरे अपने बनकर रहो ओ साजना। क्या बढ़िया चीज सुनाई है यार, इसे कहते हैं कविता। जकास जकास। अरे कोई है क्या, मुझे सिरदर्द की गोली देगा? पूरे हॉल में सिर्फ तू ही ताली बजा रहा था, तुझे उसकी कविता इतनी अच्छी लगी? किसी को अच्छा लगे या ना लगे उससे अपने को क्या, अपने को अच्छा लगा बस, अपन खुश तो समझो वो भी। अरे यार तू भी ना, थोड़ी देर और सुनते तो कान से खून निकल जाता। अरे उधर देख। अरे उसको देखो मत, अवॉइड करो, अवॉइड करो। तू अवॉइड क्यों कर रहा है, वो तो तुझसे कमिटेड होना चाहती है। वो मुझसे ऑलरेडी कमिटेड है, तुम लोग चलो चलो चलो। सुनिए तो सही। I'm Priya. Hi, I am Kanta. Coming in the walking in the talking in the ninth road. What? मेरा मतलब ninth road तक हम बात करते हुए चलते हैं। चलिए ना। हाँ चलिए। प्रिया जी, urgently एक नई कविता सुनाइए ना प्लीज। सच बताइए ना, आपको मेरी कविता पसंद आई क्या? क्या हुआ? इतनी बढ़िया थी कि उसकी क्या तारीफ करूं? तो फिर किसी और ने सिटी क्यों नहीं बजाई? और किसी को सिटी बजाना आता कहाँ है? सब लोग बोल बच्चन की औलाद है। तालियां भी तो नहीं बजाई। अरे वो तो कॉमेडी ट्विस्ट था। आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई कि वो लोग अपने कपड़े फाड़ने में बिजी थे इसलिए तालियां नहीं बजा रहे थे। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है। अच्छा, आप किसी पर भी लिख सकती थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर आपने सिर्फ सजना को ही क्यों चुना, उस पर ही क्यों लिखा बताइए? वो क्या है ना, जब मैं कविता लिखने बैठी थी हाँ? तो मुझे इश्क का बुखार चढ़ा था, इसलिए मैंने सजना पर ही लिख दी। अच्छा ऐसा है क्या, अब बुखार कैसा है? अब ठीक अच्छा? है तो चलो हम बैठकर बात करते हैं। इश्क के बुखार ने तुम्हें कमजोर कर दिया होगा, बैठो बैठो यहाँ पे। अब मैं आपको बातों से ऐसी गोली खिलाऊंगा कि आपका मूड चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आपको मेरी कविता सच में पसंद आई? वो आपके पास है क्या? क्या? लवेरिया टैबलेट। ये तो सिर्फ बुखार की गोली लग रही है। पानी चाहिए? लवेरिया का सलावा है ना मुंह में। तो फिर आपने गोली क्यों खाई? क्योंकि आपकी कविता सुनकर, आपका डेडिकेशन देखकर आप मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे ये गोली खानी पड़ रही है। अब हुआ ना आपको मेरी बातों पर विश्वास? आप कविता नहीं लिखते? मैंने तो बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। मैं जो भी लिखकर फेंक देता हूँ उसे लोग उठाकर कॉम्पिटिशन में गा देते हैं। आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? नो। मेरे कविता का मुकाबला करने की हिम्मत अमीन सयानी में नहीं है, आनंद बख्शी में नहीं है, गुलजार में भी नहीं है। खैर छोड़िए, क्यों मैं अपनी कविता सुनाकर उनको चोरी करने दूं? फिर उसकी ट्यून बनाकर म्यूजिक डायरेक्टर मार्केट में बेचेंगे और अपना नाम हिट करवाएंगे। ऐसा काम मुझे करना ही नहीं है। सच में ऐसा होता है क्या? वो क्या है कि जब जब मेरा मूड बनता है तो मैं कविता लिखता हूँ, फिर उसे कोई लोफर की औला चुरा लेता है और ले जाकर म्यूजिक डायरेक्टर को दे देता है। म्यूजिक डायरेक्टर उसमें ट्यून डालकर सॉन्ग तैयार करता है और किसी राइटर का नाम दे देता है। ये जो चलती का नाम गाड़ी, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, ये सब मेरी ही तो है। प्लीज आप मुझसे एक बात का प्रॉमिस कीजिए। मैं प्रॉमिस तो करूंगा, उससे पहले ये लवेरिया का टैबलेट अंदर रखिए। चलिए अंदर रखिए इसे। थैंक यू। दोबारा आप कभी कविता लिखेंगे तो उसे फेंकिएगा नहीं, मैं उस कविता को पढ़ना चाहती हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस पेप्सोडेंट कोलगेट सब क।
कुछ आपका है। okay. अब बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? बाय सायोनारा सायोनारा बाय बाय थू थू थू। एक लड़की को पटाना कितना मुश्किल है, बिना पानी की ही कड़वी गोली खा ली। हे भगवान, लड़कियां इतनी कड़वी क्यों होती हैं? हाहा, मुगैम्बो खुश हुआ। जरा रोक लेना। अरे हाय प्रिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल तुम कॉलेज के गार्डन में कांता से बात कर रही थी ना? उसे तुम्हारा क्या लेना देना, माइंड योर बिजनेस। ओके, देखो ये बात भैया को पता चलेगी ना तो भैया चुप नहीं रहेंगे। तुम्हारी केयर करने के लिए ही भैया मुझे तुम्हारे साथ भेजते हैं, पता है ना? तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो ठीक है? प्लीज प्रिया, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। बट आई हेट यू। ओके, दोबारा मेरे सामने कोई लव अफ की बातें की ना तो मजबूरन मुझे भैया को बताना पड़ेगा। हमारे बीच अगर कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात याद रखना। ए, चलो रे। अबे चल यार, रोक लेना। जानू बाय। चलना यार, छोड़ना, कहाँ टाइम पास कर रहा है। चल यार, बहुत बहुत मार। चल चल आजा, आगे बढ़ो। ये लिखूं वो लिखूं, पता नहीं मैं क्या लिखूं। और मैं भी कथा उसे कविता लिखकर दूंगा, ऐसा प्रॉमिस कर बैठा हूं। ए, तुझे कविता लिखनी आती है क्या? नहीं, मुझे नहीं आती। जब से हम पैदा हुए तब से अब तक कोई हेल्प नहीं मांगी है तेरे से। आज सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुझे कविता लिखनी आती है या नहीं, बस इतना जानना था। चल रहने दे। क्या, ओ कितना बेवकूफ हूं मैं, अब तक तो कविता लिख लेनी चाहिए थी, इतने टाइम में तो एक बच्चा पैदा हो जाता है। इसलिए कांता, अर्ली मॉर्निंग उठकर एक कविता लिखना जरूरी है। ओ प्रिया प्रिया, सपनों में आ जा प्रिया, अगर नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा, अब तो मुझे नींद आ रही है, सुबह ट्राई करूंगा। क्या कहा, वो शादी से इनकार कर रही है? मान नहीं रही है ना, सीधा उठा कर ले और शादी कर ले, मुझसे क्या पूछ रहा है तू? ये ले कांता। ओ थैंक यू माँ। तू ये ले। वन मिनट, इसे खोलो तो। किस लिए बेटा? अरे बोल रहा हूँ ना, खोलो तो। लेकिन किस लिए? बोलता हूँ ना, खोलो तो सही। क्या है ये? तू इधर उधर अपने दोस्तों के साथ अक्सर कुछ न कुछ चटर पटर खाता ही रहता है बेटा, और ये जो मैं देती हूँ वही खाता है, इसलिए मैंने उसके लिए ऑमलेट बनाया है। क्या हुआ, वो तेरा भाई है ना, तुझे अच्छा नहीं लगता? कहानी मत बनाओ माँ, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे अंडा क्यों दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिया। कांता ऐसा क्यों कह रहा है? ये लो, ये डिब्बा भी उसे दे दो, खाने दो भुक्कड़ को। इतनी छोटी सी बात को लेकर नाराज क्यों हो रहा है? ए, कांता, तू इस बात को लेकर नाराज क्यों हो रहा है? आमलेट चाहे तो तू ही खा लेना। तू अपने आप को दानवीर कर्ण या मशहूर फिल्म एक्टर सलमान खान समझ रहा है? ए, ज्यादा बोलेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे बेटा कांता, ऐसा क्यों करता है बेटा? कांता सुन तो। सुनो शीला बहन, तुम्हारा बेटा मेरी बच्ची का टिफिन छीन कर खा जाता है, ये सही है क्या? बताओ। हे भगवान, क्या कह रही हो? अरे इसे बोलकर क्या फायदा? ए, मुंह संभाल, क्या कह रही तू? मैं चुप हूँ तो कुछ भी कहोगे? हाँ, मेरी बेटी को कुछ भी कहोगे? अरे मेरे घर आ, इतना सारा खाना खिलाओगी तुम लोगों को? बेटा ये मेरी लाल, इधर आ बेटा। माँ तुमने बुलाया क्या? आ जा बेटा। आ गया। माँ माँ देखो, ये वही लड़का है, देखो ना माँ। हाँ माँ। ए चुप करो रे, मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ। आ जा आ जा। माँ को खाने नहीं देता। ए अरे चुप करो, चुप हो जा। सुनो बेटा, ये सब जो कह रही हैं क्या वो सच है बेटा? तू ऐसे क्यों करता है बेटा? घर से तो तू 20 इडली खा के जाता है ना, पिघल जाती है। तो दे दे इन लोगों के टिफिन, वापस दे दे, चलो दफा हो जा यहाँ से। ये लो,
अपने अपने टिफिन ले लो और कभी मुंह मत दिखाना वापस। भागो यहाँ से। हमारे बच्चे का टिफिन मेरे बेटे को सताते हो? आज लेके जाओ, कल फिर टाइम पे लेके आना। क्या कह रहे हो बेटा? ये सब हमारे दरवाजे पर लड़ने आई हैं और तुम इन्हें टिफिन लाने के लिए कह रहे हो? जितनी इडली में बेचती नहीं हूँ इससे ज्यादा तुम खा जाते हो, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। ये लड़का हर रोज ऐसा क्यों करता है? अकल नहीं है या कोई और बात है? क्या हुआ बहन जी? अरे रजनी तू आ गया, तू आज अपना टिफिन लेकर आया है ना? आजा रजनी। ये सब लोग तुझे बुरा भला क्यों कह रहे थे? अरे रजनी मैं उनके बच्चों की टिफिन लेके खा जाता हूँ ना, इसलिए वो मेरी माँ से शिकायत करने आई थी, इसीलिए ये सब उल्टा सीधा बोल रही थी। बात है, तू उनका क्यों लेता है? घर आकर पेट भर के खा सकता है। घर पर तो पेट भर के खाता हूँ मैं, लेकिन पेट ही नहीं भरता, क्या करूँ? इसीलिए मेरी माँ दो दो तीन तीन बार इडली देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। इसका मतलब तो जितना खाता है तेरा दिल नहीं भरता। बिल्कुल सही। अच्छा सुन ना, टिफिन देना। नहीं बाप्पा, ये पर्सनल पार्सल है तेरे भाई का, भाई के लिए। तब तो मार दिखानी मुझे, जा दे दे उसे। तू यहीं रह, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाकर मेरे भाई को पार्सल देने दे, वरना वो भूखा रह जाएगा। रजनी माँ मुझे जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चल बता तू क्या खाएगा। दही बड़ा। और तू? उत्तपम। अरे यार मुझे तो दोनों चीजें पसंद नहीं है। अबे रुक, भाग कर आए, चल बता। वही तो रोज लाता हूँ यार। अरे दिखा तो। मेरी माँ ने आज मुझे चिकन बिरयानी बनाकर दी है मोटा होने के लिए। अबे साले बिरयानी लाकर तो मुझसे झूठ बोल रहा है क्या? अरे मुझे भी तो देना। हाँ देता हूँ रुक। अरे एक पीस तो दे दे। ठीक है ठूस ले, बना किसके लिए, गपक कौन रहा है? ए भगवान, अरे तू तो देना यार, बहुत भूख लगी है। अबे मेरे लिए लेग पीस तो छोड़ दिया होता ना सारा खा के। अबे दोस्ती सिर्फ खाना खिलाने से या सिगरेट पिलाने से नहीं होती है, इसे बोल प्रिया के ऊपर नजर ना रखे वरना भारी पड़ेगा, समझा दे। तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन को तो लाइन नहीं मार रहा ना? क्या अबे क्या बोल रहे तू, किसके बारे में बात कर रहा है? ए कांता, प्रिया से मैं प्यार करता हूँ समझा? हाँ तो करना। ये देख मैं प्रिया से कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें दिखा रहा हूँ। इसे बनाते वक्त इतना दर्द हुआ था पता है तुम्हें, आंखों से आंसू निकल रहे थे। अबे पापी तूने उधर क्यों गुदवाया, कम से कम हाथ पे गुदवा लेता, दर्द तो कम होता ना। ए, ये किधर बनाने से दर्द कम होता है ये नहीं पूछ रहा, ये क्यों बनाया है ये बताने के लिए आया हूँ। प्रिया सिर्फ मेरी है। अच्छा? उसके पीछे चक्कर काटा या फिर उसे परेशान किया तो देख लेना। अबे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मत दिखा, अगर तो अपने बाप से पैदा हुआ है, तेरे में हिम्मत है, पैसा है, वो मानती है तो उसको पटा ले, अगर वो जाना चाहती है तो उसकी मर्जी, मुझे क्या लेने देना। मर्द तू है कि मैं हूँ, डिसाइड करना है क्या? अच्छा आइडिया, कर लेते हैं। झगड़ा मत कर छोटे।
चल अब हम घर चलते हैं। हरकत की आपके बच्चों ने आपको पता है? इन्होंने मेरे कॉलेज में फाइटिंग की है आज। ये लोग मेरे कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं अपने आप को यहाँ पे? ए, चुप क्यों हो? रजनी, बता ना। सुपरस्टार। सुन लिया आपने? सुपरस्टार, रास्कल, इडियट्स। अगर उन लोगों के घर वालों ने यहाँ की कंप्लेंट की, डबल चार्ज लगेगा और तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। किसने मेरे बेटे को मारा? कौन है वो? बताओ किसने मारा? हाँ सर, मैं वही इंक्वायरी कर रहा हूँ। इन दोनों से पूछताछ कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों ने मारा? अरे इन कमीनों से पूछताछ क्या कर रहे हैं आप? इन हरामखोरों की तो मार मार कर हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए, बैठकर पूछताछ कर रहे हैं। कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। मैंने बात करने के लिए इनकी माँ को यहाँ बुलाया, वो यहाँ आई है। आप बैठ जाइए ना, बैठिए प्लीज। बैठ क्यों बैठ जाऊँ? स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है क्या? जब देखिए तब हमेशा मारपीट होती रहती है। वैसे तो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों का इस तरह से लड़ना आम बात है, और इतनी छोटी सी बात को लेकर आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए हॉस्पिटल। पाँच पाँच टाके लगे उसके सर पे, कितना खून बहा है पता है आपको? पैदा तो कर दिया, कम से कम तमीज तो सिखा देती। हॉस्पिटल का बिल क्या इन दोनों का बाप भरेगा? सर, इन लोगों के पिता नहीं है। क्या बाप नहीं है? तभी तभी ये दोनों इतने बदतमीज हैं। अरे कम से कम माँ को तो ख्याल रखना चाहिए था। इनकी माँ भी वैसे ही है, तभी तो छोड़कर भाग गया होगा वो। स्टॉप इट। कांता, छोड़ो इन्हें। ओ माशय, आपकी लड़ाई हमसे है, हमारे पिता को बीच में लाए तो अच्छा नहीं होगा, बता देते हैं। बड़ों से तमीज से बात करो तुम दोनों। इनके बेटे पर तुम दोनों ने हाथ उठाया है और इसीलिए वो नाराज है। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। सॉरी सर, आपके बेटे के इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो मैं चुकाऊंगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, इनके पिता मुझे छोड़कर भागे नहीं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई। सुनो नालायको, अब कल आकर कॉलेज में ढंग से पढ़ाई करना। कल वाइस चांसलर आ रहे हैं, उन्हें अपोलॉजी लेटर दे देना। इन्हें ले जाइए बहन जी, जाओ जाओ। माँ सॉरी। माँ, ए माँ सॉरी बोला ना। अरे माँ, सॉरी बोलने के बाद भी नाराज हो क्या? ए, अरे समझाना। तुम दोनों सॉरी क्यों कह रहे हो? इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। भले ही आपस में लड़ो, लेकिन कोई दूसरा तुम दोनों को तकलीफ दे तो तुम दोनों साथ में मिलकर लड़ो, हमेशा इसी तरह एक साथ। ये बाइक किसके लिए? ये तुम दोनों के लिए लाई हूँ।
आज से कॉलेज में तुम दोनों एक साथ जाओगे और एक साथ आओगे, समझ गए ना? माँ, ये जो बाइक है ये पेट्रोल से चलती है या डीजल से? पेट्रोल से चलती है बेटा। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है ना, इसलिए मैंने पूछा। उससे तुझे क्या मतलब है बे? डीजल से हो या पेट्रोल से, हमारा रोज का 50 रुपए जाएगा। मैं तो यूँ ही पूछ रहा था, पूछना गलत है यार। वो सब छोड़ और चल बैठ। अबे चल उतर नीचे। क्यों, यहाँ बाइक क्यों रोक दी? तुझे बस में चढ़ाने के लिए। माँ ने कहा था साथ में जाना, साथ में आना। अबे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अभी यहाँ छोड़ देता हूँ, बस से कॉलेज जा और शाम को यहीं पर मिलना, तुझे पिकअप कर लूंगा मैं। अगर ये बात तूने मम्मी को बताई ना। ए, तू एक काम कर, ये बाइक लेके तू सीधे कॉलेज पहुँच जा, मुझे एक जरूरी काम है। मैं काम पटा कर मिलता हूँ तुझसे, मेरा इंतजार करना। कांता, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। हाय, तू किधर है मेरी जान? हाय। ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? वैसे मैं अक्सर बस से ही जाता हूँ, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, बस का पास निकाल कर दिया है, इसलिए रोज बस से जाता हूँ, बस से आता हूँ, वरना गुस्सा करती है। ओके, एक्चुअली मैं खुद चाहती थी कि तुमसे मिलूं। क्यों क्यों, फिर किसी चीज को लेकर कविता लिखी है क्या? ऐसा नहीं है, मैंने सुना कि तुमने सचिन को बहुत मारा। हाँ और क्या, बहुत अच्छा किया। उसने तुम्हारे बारे में गलत कहा, इसलिए मैंने उसे मारा। वो सब मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, इसके बाद वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम सच में इतना शर्मा रही हो या मुझे पटाने के चक्कर में हो? ए रजनी, रजनी, अरे रुकना यार। ए रजनी सुनना, ए रुकना, रुक रुकना। ये क्या साइकिल चलाना सीख रहा है क्या? अरे ये साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल है, हमारी माँ ने खरीद कर दी है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, तो इसे भगा कर क्यों नहीं ले जाता, इसे पैदल लेके क्यों जा रहा है तू? मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। अच्छा, ए ये सड़क अप है, तू बैठ जा, मैं तुझे धक्का मारता हूँ। ये अप नहीं, डाउन है। हाँ डाउन है, तू बैठ जा, मैं धक्का मारता। अरे देख कर धक्का मारना, मुझे बाइक चलाना नहीं आता। चल 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 आराम से, मारता हूँ धक्का। अरे 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 इतना जोर से नहीं, अरे क्या कर दिया? अरे रुकना, मैं भी आता हूँ। अरे रुकना, अरे मैं भी आता हूँ। अरे मेरा बैलेंस छूट रहा है, क्या कर रहा है? आओ ये बाप रे, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे बिठा ले। रुक रजनी, मैं भी आता हूँ। चलो लाइसेंस दिखाओ। सर लाइसेंस ही तो आपके हाथ में है जो मैंने दिया। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी कश्मीश की औलाद, अगर ठोकना था तो कहीं और ठोकता, सेंटर में क्यों ठोका? सर इसमें मेरी क्या गलती, आपकी गलती है, आपको देखना चाहिए था। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था, तो फिर आपको क्या जरूरत थी सेंटर में खड़े रहने की? अब निकालना। निकालना, लेकिन कैसे? मैं तुम्हारा क्यों निकालूं? आपको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा ना। मैं लाइसेंस निकाल। सर लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है, मेरे छोटे भाई के पास है। छोटे भाई का लाइसेंस है तो फिर गाड़ी भी उसी को चलानी चाहिए थी। क्या करूं सर, उसकी मर्जी के आगे मेरा कुछ चलता ही नहीं, उसे लाख समझाने के बाद भी मेरा छोटा भाई नहीं सुनता। लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, जमा करा दूंगा। हेलमेट नहीं पहन रखा है, ऊपर से आकर सीधा मुझे ठोक दिया। निकाल निकाल 2000 रुपए। सर माँ कसम, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, इस बैग में केवल हम दोनों का टिफिन है, वो चाहो तो आप खा सकते हो। एक्चुअली आरटीओ वाले को धक्का मार के तू पीटी मास्टर से क्यों बात कर रहा है? चोट कहाँ आई सर? साइकिल से इतनी चोट लग गई सर। अरे यार तू बात नहीं समझेगा, वो साइकिल नहीं बाइक है। हाँ। तूने बाइक को धक्का मारा तो सीधे इनको लग गया। क्या हुआ, क्या सर? खड़े क्या जा, सब बुला रहे। क्यों रे, लाइसेंस निकाल, इतनी स्पीड से चलाता है कि हवलदार को ही ठोक दिया। नहीं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी माँ ने हमें नई बाइक खरीद कर दी, मुझे बाइक चलानी नहीं आती। माँ कसम सर, मैं आपसे सच कहता हूँ, इसने कहा तू बैठ, में धक्का मारता हूँ, इसने धक्का मारा और बाइक आकर गाड़ी से टकरा गई। जी सर, धक्का मैंने मारा था, मुझे भूख लगी है, पैसे दे दीजिए। गावड़े क्यों इसे पकड़ा है, छोड़ दे इसे, चले चल निकल, जाओ जाओ, किसी को भी पकड़ लेता है। ए तूने काम किया, यहां पे बम लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। चल भाई, चल निकल, सेहत की जरा जी, तू गाड़ी चल, फटाफट टाइम नहीं है मेरे पास, मारता रहूंगा और निकल जाएंगे। इसका नखरा अलग से छीलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हां तो क्या है ये? अपोलॉजी लेटर है सर। ए मुझे देख के तू ऐसे हंस क्यों रहा है? प्लीज सीरियस। माननीय गुरुजी के चरणों में अभिनंदन करते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गलतियां हर किसी से होती हैं, हम इंसान हैं इसलिए गलतियां करते हैं।
आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि संसार में गलती कौन नहीं करता। क्या कोई ऐसा है जिसने कभी गलती ना की हो? मेहरबानी करके मेरी दो लाइन की कविता सुनकर आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके कॉलेज का एमए का विद्यार्थी हूँ, कांता। तो वो तुम हो एमए के विद्यार्थी जिसने इस कॉलेज में? सर मैं बीए स्टूडेंट। मैं तुम्हारी लिखी कविता क्यों पढूं? इडियट, तुम्हारी कविता पढ़ने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर बीए में पढ़ते हो तो एमए क्यों लिखा है इसमें? कहाँ है वो दूसरा? सर वो यहाँ आ गया सर, आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इतना लेट क्यों आए हो? मैं जिस बाइक पे आ रहा था उस बाइक किसको? व्हीकल व्हीकल। ए तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। इडियट, बाइक से आते फिर भी लेट। सर मुझे बाइक चलाना नहीं आता, इसलिए धक्का मार कर ले आया, इसलिए लेट हो गया। वाह भाई वाह, दोनों के दोनों भाई जीनियस हो। एक बाइक को धक्का मारते हुए लेट होता है और दूसरा कविताएं लिख के देता है, वो भी अपोलॉजी लेटर में। ए तुम दोनों की सजा यही है, जाकर गार्डन की सफाई करो। ओके सर। इधर आओ। तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? आपको देखते ही हंसी आ रही है। ओके सर, थैंक यू। सर मैं भी गार्डन साफ करूं क्या? नहीं तो क्या मेरा दादा के साफ करेगा? ओके सर, अगर आप कहते हैं तो मैं वही करता हूँ, चलता हूँ सर। ओए रजनी, अरे इधर तो देख, ये सब करना है क्या? अबे बैठ के आराम से बात करते हैं। लड़कियों की तरह शर्माता है, काम करता रहता है, हमेशा इज्जत की पड़ी रहती है। अरे बापरे 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 बापरे। ए कांता, तू इस तरह से क्यों लेट गया? वो प्रिंसिपल अगर देख लेगा तो डबल पनिशमेंट दे देगा। अबे इधर आना, एक मिनट आता हूँ। अच्छा रजनी, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। तेरे पैदा होते ही तेरा होठ फटा हुआ था, तू ठीक से बात नहीं कर पाता, तू बात करता तो लोग तुझ पर हंसते हैं, ये सब देखकर तुझे दुख नहीं होता क्या? मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे भगवान से कहकर हम थोड़ी पैदा होते हैं। नहीं ना, इसलिए मैं जैसा हूँ उसके बारे में सोचकर मैं क्यों दुखी हूँ? मेरा होठ फटा है तो उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती। कांता, जहाँ तक मेरी सोच है, इस संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उसी तरह मेरे ऐसे होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। कहते हैं ना, द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। बहुत लंबी सोच है तेरी। तुझे ये सब किसने बताया? वो क्या है ना, जब तू पैदा हो रहा था तब तेरा चेहरा देखकर देवताओं को गुस्सा आया होगा, इसलिए उन्होंने चक्कू से तेरा चेहरा काट दिया होगा, इसलिए अब तेरा मुंह मुंबई बन गया है, तभी तो तू इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। खैर ये बता कि किस किताब में ये सब लिखा है बे? ये मैंने ही लिखा है। ओहो, तभी तो खुद की तारीफ किए जा रहा है। hey! अब और सजा ना दे दे। मैंने तुम दोनों को गार्डन साफ करने के लिए कहा था ना? सर वो तो पहले से साफ है सर। साफ था क्या? अच्छा तो फिर जाने दो। सुनो कांता, सुनो, तुम अक्सर मुझे देख के हंसते क्यों हो? सर ये कलर मैच करेगा क्या? किस लिए? आप अंडरवेयर नहीं पहनते, फटा हुआ निकर पहनते ना। फटा हुआ निकर? हंस किस लिए? नमस्ते सर। जाके गार्डन साफ करो। हाँ ठीक है सर। सर फटा हुआ निकर अगर नीचे उतर गया तो? लंबा है। अच्छा लंबा है, जब देखो जब मेरी खींचता है। नया नारा डाल। आखिर मेरा सीक्रेट जानता कैसे? लगता है महेश ने बताया होगा। महेश से मिलता हूँ मैं। तुम दोनों ट्विंस हो? ऐसा ही समझ। ओह माय गॉड। ए किताब चुपचाप अंदर रखना, बाइक लेकर जा, मैं आ रहा हूं। चल अबे चलना, चल जा। एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, दोनों बिल्कुल एक जैसे, मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। सच्चे मन की आंखों से देखो कांता कौन है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे तुम्हारी लिपस्टिक बहुत बढ़िया है। वो रहने दो, तो गाड़ी को धक्का मार के क्यों ले जा रहे हैं? पेट्रोल नहीं है क्या? चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए ना, सभी लोग मेरे जैसे मल्टी टैलेंटेड थोड़ी होते हैं। ओके ओके। एक्चुअली कांता मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह इतनी सी बात है? हाँ बोलो ना। तो फिर हम कॉफी डे में बैठ के बात करें। कॉफी डे? ओके माय गॉड, कल किसी लोफर की औलाद ने मेरी जेब काट ली, उसमें मेरा एटीएम कार्ड था, बैंक में 5 लाख रुपए कैश पड़ा है। ओह माय गॉड। नो प्रॉब्लम, मैं पे कर दूंगी। अरे टोकन मनी तुम दोगी तो कैसे चलेगा? क्या मतलब? नहीं हम दोनों यही बैठकर बात करते हैं ना। ओके ओके चलिए, लेडीज फर्स्ट आइए। आइए बैठिए। तुम कुछ कहना चाहती थी? ओ वो, बड़ौदा हॉल में कविता सम्मेलन होने जा रहा है और इस बार तुम मिस मत करना, जरूर पार्टिसिपेट करना, अपना टैलेंट दिखाना।
ओह फैंटास्टिक, मैं जरूर आऊंगा। एक और बात कहनी है, मैं भी एक कविता लिख रही हूँ, तुम इसे जरा करेक्ट कर दोगे? तुम्हारी हैंडराइटिंग तो कितनी प्यारी है, मेरी इज्जत का ढक्कन खुलेगा, अब मैं उसे कैसे ढकूं? आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं, अनमोल मोती है। बचपन में हमारी माँ हमें हीर रांझा फिल्म दिखाने ले गई थी, उस वक्त राजकुमार और प्रिया राजवंशी की मौत देखकर मेरी माँ रो पड़ी थी। हमने पूछा तुम्हारी आंखों में आंसू, तब उसने कहा ये आंसू नहीं अनमोल मोती है। वो बात मुझे आज भी याद है। अब तुम घर जाकर आराम करो, मैं इसे करेक्शन करके तुम्हें कल दे दूंगा। ओके, तो अब मैं चलती हूं। भगवान के लिए अब तुम जाओ यहां से, बाय। तुम्हारा कभी भी भला ना हो, आज के आज ही घर को खाली करके देहात में रहना पड़ेगा, वरना पोल खुल जाएगी। किसी ऑपरेशन वाले पेशेंट को रॉकेट उड़ाने के लिए कहकर गई, अब मैं क्या करूं? डूम चिक चिक डूम चिक चिक डूम चुक चुक डूम। प्यार आकाश से भी विशाल है, प्यार सागर से भी गहरा है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो रहता है एक छोटे से दिल में ही। जिस दिल में प्यार होता है वही सबसे बड़ा दौलतमंद है। अरे यार, हमारे पास तो सिर्फ दिल है, तो दौलतमंद कौन है? ओ करेक्ट, ऐसी कहावत है, प्रिया पैसे वाली भी है। हाँ, ये दो बातें आपस में मैच हो रही है। यस कन्फर्म, शी इज वेरी 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 टैलेंटेड। मोस्टली ये सब कुछ उसने मेरे लिए लिखा है। हाँ तो बेटा मिस्टर कांता, अब तुम उसे ये कविता बहुत अच्छी है ये कहकर लौटा दोगे तो तुम्हारे टैलेंट को लेकर उसे डाउट हो जाएगा। इसके अलावा कविता को तोड़ मरोड़ कर उल्टा पलटा करके उसे प्रिंट करवा के पॉलिश करने के बाद उसे दे दूं तो मेरे अंदर टैलेंट है ही नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा। कमीने, तुझे ये सब चाहिए था क्या? इतनी लंबी शेख चिल्ली बगाड़ के अब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर बैठा है ना कांता? ये हंसी किस खुशी में? मुझे कविता नहीं आती है इस खुशी में क्या? या फिर मैं खाली डिब्बा हूँ, सिर्फ बचता ही रहता हूँ, ये उसे पता चल जाएगा तो वो किसी और के साथ मुझे छोड़कर चली जाएगी इस खुशी में। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, मैं एक अच्छा कवि बनकर उससे शादी करके अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। अच्छा, शायद मम्मी को आती होगी। बेटा तू और कविता, वो वाला टैलेंट तेरे अंदर कहाँ है? मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ ना? वो सब कुछ उसी के अंदर है। तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो। वन फाइन डे मैं भी दिखा दूंगा। जा 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 ना। दिखा दूंगा, मेरा भी टाइम आएगा, समझी ना? कोई भी इंसान कवि बनकर पैदा नहीं होता, जैसे कि मैं एकदम पागल और ये एक अकेला ही यहाँ समझदार है। दिखा दूंगा मैं भी, वक्त आने दो, मेरा साबित करूंगा। टाइम वेस्ट मत कर बेटा, तू खुद एक कविता लिखना शुरू कर। अब तो तू एक ऐसी कविता लिख जिससे अच्छे अच्छे कवि भी घबरा जाएंगे, और आजकल के कवि तो थर 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 कांपने चाहिए। लिखता हूँ लिखता हूँ। ओके, यो 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 यो, आई एम इन द फीलिंग, यो यो ऑलवेज ड्रीमिंग, यो यो नॉट यू आर स्लीपिंग, यो यो बारा बजिंग, यो यो हर रोज अगर मैं तुझे ना देखूं, लगता है मेरे जिस्म में खून की कमी हो गई। प्रियतमा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तेरे प्यार में मैं हो रहा हूँ पागल, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों है? अयो 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 यो 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 यो, हे भगवान। कविता का करेक्शन हो गया है, मतलब वो यो। मुझे इसके ऊपर जरा सा शक है, बहुत झूठ बोलता है, झूठा कहीं का। ओहो ओहो, मुझे कविता लिखना नहीं आता, मैं तो कुछ लिख ही नहीं सकता। चलो चेक करते हैं। यो यो
यो यो यो यो यो। आज के इस कविता सम्मेलन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज आप लोगों की कविता को जज करने के लिए पधारे हैं द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन जिंदाल। अर्जुन जी प्लीज वेलकम, प्लीज टेक योर सीट सर। मैं चाहती हूँ आप कविता के बारे में दो शब्द कहें। सपना एक सौगात है, प्यार की शुरुआत है, तेरे बिना रहा न जाए, ये दूरियां सही न जाए, सच कह रहा हूँ प्रियतमा, ओ, 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 सच कह रहा हूँ प्रियतमा। अर्जुन जी की इस कविता के साथ हम हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले प्रतियोगी है कांता फ्रॉम विजया कॉलेज। अरे अरे अरे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत छोटा इंसान। मैं भी बहुत छोटा इंसान हूँ सर। जरा माइक दीजिए। थैंक यू मैडम। जैसे चांद चमकता है वैसे तुम्हारा चेहरा दमकता है, जैसे खिला हुआ फूल गुलाब का वैसा नूर तेरे शबाब का, तुम किसी कवि की लेखनी से लिखी हुई कविता हो, साक्षात कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो, जग में नहीं है तुमसा कोई दूजा, करता रहूंगा मैं हमेशा तुम्हारी पूजा। बहुत अच्छी है ना? थैंक यू। कितनी अच्छी कविता लिखी है ना? परसों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज किसी और को लेकर घूम रहा है। शिट, ऐसा कोई भी नहीं है इस पार्क में जो एक दूसरे से लिपटा भी नहीं हो और एक दूसरे को किस भी नहीं कर रहा हो। लेकिन कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसे देखकर मेरे अंदर कुछ जागे। ऐसी लड़की आएगी, जरूर आएगी, मैं बोल रहा हूँ आएगी। हाय। रजनी देखना उधर। हाँ हाँ देख रहा हूँ। मुझे भी दिला देना है। हाँ हाँ दिलाता हूँ। देख ये कोई खाने की चीज नहीं और पीने का दूध भी नहीं है, फिर भी तुझे चाहिए। एक बलून दो भाई, एक और देना, नहीं तो ये मानेगा नहीं। हाँ हाँ वही दे दो, ये लो। अच्छे हैं। ये कविता लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जरा सा सोचो तो अपने आप दिमाग में आ जाती है। ये देखो 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 कितनी अच्छी है ना। फिर भी मैं तुम्हारे जैसी अच्छी कविता नहीं लिख पाती। अच्छा ये बताओ, इसके लिए कोई खास विटामिन प्रोटीन खाते हो क्या? अरे पगले, विटामिन्स और प्रोटीन्स बॉडी बिल्डअप के लिए लिया जाता है। एक्चुअली इसके लिए तो जज्बात चाहिए, जज्बात। मिसाल के तौर पर बस मैं तुम्हें देखता ही रहूं तो अपने आप कविता बन जाती है। मुझे अभी ये कविता लिखकर दोगे क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं तो पेन ही नहीं लाया। मैं लाई हूं ना। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? मेरे पास पेपर ही नहीं है। वो तो मेरे पास भी नहीं है। थैंक गॉड, मैं जानता था तुम मुझसे ऐसा ही कुछ कहोगी, इसलिए मैं उगते सूरज की तरह चमकती हुई कविता लिखकर लाया हूँ। थैंक यू। वाओ, तुम्हारी भी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। या। कविता के साथ साथ तुम ड्राइंग भी करते हो? यस। ये तुमने बनाया है? जी हाँ, वो क्या है ना, मेरे पापा थे एक कविराज, इसलिए हम भी कवि बन गए। हमारी मम्मी है चित्रकला, इसलिए हम चित्रकार भी बन गए। तुम तो सच में मल्टी टैलेंटेड हो। यस। ब्यूटीफुल, ये स्केच बिल्कुल मेरी तरह है। तुम्हारी माँ की तरह लग रही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये स्केच दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। थैंक यू। रजनी देखना, बिजली चमक रही है। अरे वो बिजली नहीं चमक रही है, रॉकेट उठ रहा है। रॉकेट रॉकेट है, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। अबे उसे लाना मत, सिर्फ देख के आ जाना। मैं तेरा यही इंतजार करूंगा, घर में तेरी माँ राह देख रही होगी। कैसा पागल है, रॉकेट और बिजली का फर्क नहीं समझता बेवकूफ कहीं का। तुम तो इसी में खो गई, सवेरे नाश्ता नहीं किया था क्या? चलो नाश्ता करके। अरे नहीं नहीं, बैठो, मैं पैसे नहीं लाया। अभी तो नाश्ते की बात कर रहे थे। नाश्ते का मतलब हम कवियों की भाषा में चुंबन होता है। अरे बाबा, अरे वाह, टीवी और पिक्चर में कभी देखा नहीं है क्या? क्या कहा? एक्चुअली क्या है ना, मैं सिर्फ एक ही किस मांग रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और अगर डर लगता है तो सुपर टॉकीज में जाकर मॉर्निंग शो देख लो, तुम्हारा सारा डर वहीं के वहीं निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मंत्र तंत्र कुछ ऐसा ही होता है। चलो अब एक किस दे दो ना यार, प्लीज। पर अगर किसी ने भैया से कह दिया तो? अरे मैं भी किसी को नहीं कहूंगा और तुम भी किसी को मत कहना। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है।
रब्बा मेरे रब्बा रे। ए रजनी, मम्मी कहाँ है बे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाकर खुद देख लो ना। महाशय आज कुछ बदले हुए लग रहे हैं। क्या हुआ बे रजनी, इस तरह उल्टी बात क्यों कर रहा है? क्या हुआ बोलना। देखो तुम ये नौटंकी करना छोड़ दो, तुम सुधर जाओगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। नहीं तो तू क्या कर लेगा? ये मत पूछो, मैं हर बार खामोश रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे और मैं चुपचाप सहता रहूंगा। हमारे बीच में मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा बे, क्या कर लेगा तू? गिरेबान छोड़ो इडियट, गुस्सा दिलाए तो एक चांटा दूंगा। खामोश क्यों हो? मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? तुम भी तो कुछ कहना चाहती थी ना, पहले तुम वो बताओ। बुरा मत मानना। नहीं। मुझे एक फिल्म में हीरोइन का रोल ऑफर हुआ है। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है ये मुझे नहीं पता, वैसे मेरा एक पुराना फ्रेंड है, उसने ही मुझे रेकमेंड किया है। ए, सीरियस क्यों हो गए तुम? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। देखो हम दोनों का इस तरह से बार बार मिलना ठीक नहीं है। What do you mean? मुझे नहीं लगता कि अब मेरा और तुम्हारा रास्ता एक ही है, इसलिए हम जुदा हो जाते हैं प्रिया। देखो कांता, अगर मेरा फिल्मों में काम करना तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं। देखो ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं बस तुमसे इतना ही कहने आया हूँ कि हमारा तुम्हारा ब्रेकअप, मेरा और तुम्हारा रिश्ता और आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अब हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ब्रेकअप करने की बात करने के लिए ही मैं इतनी देर से हिम्मत जुटा रहा था। देखो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसके आगे हम दोनों प्रिया प्रिया ये रही, पकड़ो उसे। रुक जाइए, मैं कहता हूँ रुकिए आप। ए, तो यहाँ उसके साथ कैसे? वो बहन है तुम्हारी। मैं कौन हूँ तू जानता है? तुम उसके भाई हो। तुझे कैसे पता? अभी अभी तो यहाँ से भैया भैया कहकर भागी है। भाई के साथ साथ मैं और भी कुछ हूँ। ये बिल्ली की डकार देना छोड़ दे, मैं तेरी बहन से प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज के बाद से हम दोनों का रास्ता अलग है, ये बात मैं उसे कहने के लिए आया था। समझा देना अपनी बहन को। ए, क्या बोला? ए, तेरी बहन को मैंने प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। अब मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, यही बात मैं उसे कहने के लिए आया था। इतने में तू यहाँ आ गया और वो डर के भाग गई। अब तू ही समझा देना उसे। क्या कहा? नंबर 33 सिक्स्थ लेन 7th क्रॉस शंकर पार्क के पास नया नगर में मेरा घर है। तुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने दे दी। मैं एक ही बात जानता हूँ, नहले पे दहला, जाके अपनी बहन को समझा दे। ये तो मुझे ही चक्कर में डाल के चला गया। ठीक है, देख लूंगा तुझे। क्या हो गया है इसे, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा? कैंटीन में भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया होगा? हेलो, अच्छा तुम रजनी की फ्रेंड हो ना? हाँ, क्या हुआ? प्लीज मुझे उसका नंबर दोगे? ठीक है, देता हूँ। 9945365996। थैंक यू। ओके। हेलो हेलो, रजनी जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? हाय, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। प्रिया जी, क्या बात है? एक्चुअली कांता कहाँ है? एक्चुअली मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा। प्लीज आप उसे कॉलेज कैंपस में लेकर आएंगे? कॉलेज कैंपस में? मुझे उसे कुछ बात करनी है, प्लीज उसे ले आइए। बाय। हेलो हेलो, अरे तुम्हें उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कल समझा दिया था ना। तुमने कल मेरे भैया से क्या कहा था बताओ? उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? तो तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। तो फिर उस दिन पार्क में किस करते समय क्यों कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी करता था। तो फिर अब क्या हो गया? देखो, तब मैं तुमसे प्यार करता था ये सच है, और आज मैं तुमसे प्यार नहीं करता ये भी सच है। देखो मेरा भेजा मत खाओ, समझे? और उसने अपनी किताब में ये लिखा है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई वजह होती है, और वो किताब उसके पास है, उसे लेकर रीजन पढ़ लेना।
तुम एक शरीफ लड़की के जज्बातों के साथ खेल रहे हो। ओ, खेल जो खेलता रहता है वो शैलेंद्र बाबू जी का लड़का है, मैं नहीं हूँ। द गेम इज ओवर। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। अपनी शादी का इन्विटेशन दूंगी, खाना खाने जरूर आना। क्यों मैम साहब, अपनी शादी में बुलाकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं या नहीं ये देखने का प्रोग्राम बना रही हो क्या? ये उम्मीद मुझसे मत रखना, क्योंकि अगर मैं आ गया तो वहाँ खेल कुछ और ही होगा। समझ गई ना? आए बड़े, एक्सक्यूज मी, एडवांस हैप्पी मैरिड लाइफ। ए, चलना। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9017-01 पर। मैं और मेरा भाई एग्जाम में फेल हो गए। उसके बाद रजनी री एग्जाम में बैठकर फर्स्ट क्लास में पास हो गया। वो बहुत ही खुश था। रजनी की आगे की पढ़ाई के लिए मम्मी ने वीआरएस ले लिया। एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए सरस्वती बहन। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है सर। मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। उसकी फीस जेब खर्च में बहुत पैसे लगते हैं। देखो, मैं हॉस्टल रहने जा रहा हूँ, इसलिए बार बार नहीं आ सकता। तुम यहाँ आराम से रहने की कोशिश करना। रजनी, अगर तू हॉस्टल चला गया तो मुझे सारे लड़के मारेंगे, गाली देंगे, इसीलिए तू हॉस्टल मत जा। तू ही मेरा अकेला दोस्त है रजनी, तू मत जा। उसके लिए तू क्यों रो रहा है? मैं कब तक तेरा साथ दूंगा? तू अपने आप को संभाल ना। देख, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं मैसूर से आते समय तेरे लिए मैसूर पाक लाऊंगा, अब तू रो मत। मैसूर में जू भी है ना? वहाँ कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, गधा, हाथी सब कुछ होता है ना? क्या कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ये सब तो रोड पे ही दिख जाते हैं, उसके लिए जू क्यों जाना? नहीं नहीं, वो सब नहीं चाहिए मुझे। तो फिर रजने, क्या हुआ? किस लिए? हाथी चाहिए? देखो, एक गांव में दो हाथी नहीं रह सकते यार, फिर तुझे भूखा रहना पड़ेगा, तेरा सारा खाना हाथी खा जाएगा। जरा सोच, तेरी मम्मी तुझे नाश्ते में 20 इडली और 20 चपाती दे देती है, अगर मैं हाथी को यहाँ लाया तो फिर तेरा क्या होगा पता नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे बस का टाइम हो गया है। बस का टाइम हो गया क्या? हाँ। देख, हाथी का हाथ, पैर, नाक, आँख, मुंह सब बढ़िया रहना चाहिए। देखो, हाथी की सुन अक्सर ऊपर रहती है, तेरी तरह नीचे नहीं रहती। इसे समझा तो बेटा, तो बस छूट जाएगी, मैं निकलता हूँ। हाथी से बोलना, मैंने उसे याद किया है। कह दूंगा। अच्छा। वो तेरा भाई जो है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। घर से तो तू 20 इडली खा के जाता है ना? पिघल जाती है। रजनी के फीस के लिए जो पैसे भरने थे
उनको माँ ने चीट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। देखिए आप अगर 1,00,000 रुपए जमा कराएंगी तो 6 महीने बाद हमारी बैंक आपको इंटरेस्ट के साथ 2,00,000 रुपए देगी, और अगर आप उसी रकम को 1 साल तक जमा रखती हैं तो बैंक आपको 4,00,000 रुपए देगी। वाओ, क्या बात है प्यारी मम्मी, आज आप मसाला डोसा खिला रही हो, इसका मतलब आपका लाडला रजनी हो ना हो किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। उसके लिए नहीं बेटा, तुझे अक्सर ये शिकायत रहती थी ना कि मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, इसलिए आज मैंने तेरे साथ बैठकर खाना खाने का फैसला किया है। VRS से ब्याज के कुछ पैसे मिले हैं, इसीलिए तुझे यहाँ होटल लेके आई हूँ। तुझे जो भी चाहिए ऑर्डर कर। क्या VRS से पैसा मिला था? अरे पढ़ाई वढ़ाई को साइड में रखकर मस्त एक बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, पार्टनर बनेगा मेरा। कौन सा बिजनेस बे? हाईवे पे ढाबा खोलने का सोचा है। टोटल कितना अमाउंट है माँ? क्यों बेटा? और कुछ नहीं माँ, हमारा जो दोस्त है ना वो एक ढाबा खोलने की सोच रहा है, तो मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए पूछ रहा था। मैं भी चाहता हूँ पहले एक छोटा सा ढाबा, उसके बाद होटल, और उसके बाद 5-स्टार होटल, उसके बाद 7-स्टार इंटरनेशनल होटल खोलने की मेरी इच्छा है। क्या बोलती हो? पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब तो क्या सोचने लगा? तेरा भाई डबल ग्रेजुएट है, अपने भाई की तरह अगर तूने डिग्री हासिल नहीं की तो लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे। जिस सब्जेक्ट में तू फेल हो चुका है उसे रीअपियर करके डिग्री हासिल कर। अभी जो नया चिटफंड बैंक खुला है उसमें मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और वो पैसे मैंने रजनी के कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए रखे तो, हैं। डायरेक्ट ऐसा बोलो ना कि सारा का सारा पैसा रजनी की पढ़ाई के लिए चाहिए, अब उसे छुपाने के लिए तुम मुझे पढ़ लो, अपनी डिग्री पूरी कर लो, ये इनडायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है माँ। पैसा नहीं देना है तो मत दो। सुनो, इस जमाने में सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, दौलत को दुनिया सलाम करती है। इसे भी खा लो। सुन तो? नहीं खाना तो रजनी को पार्सल कर दो, खूब खिलाओगी तो खूब पड़ेगा। अरे सुन कांता, कुछ कहता हूँ तो रजनी का नाम पता नहीं कब सुधरेगा। डिजाइनिंग क्लास में तुमने कुछ और भी सीखा है? आजकल बड़े बड़े सपने दिखाकर चीटिंग करना मामूली बात है, ऐसी ही एक कंपनी सामने आई है जिसका नाम है प्रसाद चीट फंड कंपनी। सर मेरे पापा ने यहाँ 25,000 रुपए जमा किए थे, इस वक्त किसी से भी पूछते हैं कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा। कम समय में ज्यादा पैसा बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये अच्छा उदाहरण है। इन्वेस्ट करने वालों को एक ही साल के अंदर उसकी रकम का दुगना या चौगुना मिलना असंभव होता है, ऐसे ही सपने दिखा रही थी प्रसाद चीट फंड कंपनी। पुलिस ने तुमसे कहा था ना कि मैंने चीट फंड कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और यही चीट फंड कंपनी। देखा ना माँ, अच्छा खासा ढाबा खोल रहा था, पैसे दे देती तो नहीं डूबते। चोरों के हाथों में पैसे देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ, अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें? मैंने दिन रात मेहनत करके बचाए हुए पैसे रखे थे, उन्हें वो हजम नहीं होगे बेटा। सबका पैसा इज्जत से वापस करते हुए नहीं। तुमने 12 कंप्यूटर्स, 15 टेबल और विंडो ग्लास तोड़ा है, और तुम्हारी मार से इनको फ्रैक्चर भी हुआ है। इन सब से इनको 3,00,000 का नुकसान हुआ है, ऐसी इन्होंने कंप्लेन की है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करके तुम्हें 6 महीने के लिए अंदर कर देता हूँ, सारी मस्ती खत्म हो जाएगी। अरे मैं क्यों अंदर जाऊँ सर, जो गरीबों का पैसा खाकर राजा की तरह घूम रहे हैं उन बेईमानों को अंदर कीजिए ना आप। तुम जेल के नाम से इतना डरते क्यों? हमारी माँ ने हमें कभी कुर्सी पर बिठा कर या डाइनिंग टेबल पर बिठा कर खाना नहीं खिलाया सर। जो आप खाना खाकर जेल में हाथ धोने के लिए कह रहे हैं, वो स्कूल टीचर थी, बस 2 वक्त की रोटी खिला पाती थी। बच्चों को तालीम देकर उससे मिले हुए पैसों को बचा बचा कर हमारे एजुकेशन के लिए जो पैसा जमा किया था उन पैसों को उसने चिट फंड में जमा कर दिया था, लेकिन इन कमीनों ने मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर दिया। सर मेरी माँ की तरह और भी न जाने कितने लोग हैं, कुली का काम करके, घर घर में काम करके, गली गली में फेरी का धंधा करके, लोगों ने अपनी मेहनत का जो पैसा जमा करके चिट फंड में डाला था उन पैसों को ये चिट फंड वाले आराम से निकल जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? अरे बोलिए ना आप, ये कहाँ का न्याय है? इन चिट फंड वालों को तो मैं अपना हाथ हटाओ। पुलिस के सामने बैठकर तुम किसी का मर्डर करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें तो भेजना पड़ेगा, अंदर भेजना पड़ेगा। शंकर यहाँ आओ, इसकी FIR दर्ज करो। क्या हुआ, मुझे अंदर डाल के क्या करेंगे? ले जाकर 4 डंडे, हाथ में 1 स्लेट, उसके बाद में 1 प्लेट, लेकिन इसके बाद जब मैं बाहर आऊंगा तब तो इसकी खैर नहीं है सर। सर मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट पावर तो आपको अच्छे से पता है ना। नमस्कार सर। अरे नमस्ते सर, आइए आइए बैठिए। आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, एक फोन कर देते मैं खुद वहां आ जाता। बताइए सर क्या बात है? कोई खास बात नहीं इंस्पेक्टर, बैंकॉक से 2-1 जैकेट लाया था, सोचा आपको देते हुए जाऊं।
क्या किया इसने? क्यों बिठा कर रखा इसे? इसने चिटफंड कंपनी में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की है। 307 का चार्ज लगा है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपना बच्चा है। एक काम करो, सेटलमेंट करवा दो। ये आपका लड़का है? हाँ। अरे बुद्धू, तू भाई का आदमी है ये पहले नहीं बता सकता था? कब से बैठकर टाइम पास कर रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं इसे फिट करने आया था, इसने मुझे फिट कर दिया। ये कुछ ऐसा ही है, स्वाभिमानी, साथ में जरा शॉर्ट टेम्पर्ड भी। अब ये मैटर खत्म करो यार। मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। शंकर यहाँ ना, वो चिटफंड का केस है ना, वो कंपनी के मालिक के नाम पर दर्ज करो। अरे बाप रे। मैं एक बिजनेसमैन, जो भी चीज अच्छी लगती है उसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। ये तो पार्टी बदलू निकला, मैं भी देखता हूँ। उस दिन के तेरे बोल बच्चन पर मुझे गुस्सा नहीं आया था। वैसे तू करता क्या है? कॉलेज में पढ़ता हूँ। पढ़ लिख कर अगर हरगोविंद खुराना या अब्दुल कलाम या फिर आइंस्टीन बनने का सपना अगर पाल रखा है तो फिर मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, अगर सिर्फ शौक के लिए अगर पढ़ाई कर रहा है तो ये मेरा कार्ड रख ले, मुझे फोन करके आ जाना। काम पे भी लग जाओगे और दाम भी मिलेगा। हाय। अरे हाय प्रिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर एमए के एग्जाम की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं भी इस कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। देखो ना कैसा अजीब कोइंसिडेंस है, कहीं ना कहीं से हम एक जगह मिल गए और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा तुमसे कभी मिलूंगा। वो कांता कैसा है? कांता वो तो शायद अभी घर पर होगा, कुछ दिनों से वो परेशान लग रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। एक्चुअली वो मुझसे क्यों रूठ गया ये बात मुझे अभी तक नहीं पता। उसने आपको कुछ बताया क्या? नहीं प्रिया जी, आपको तो पता ही है, उसकी बातों को समझ पाना इतना आसान नहीं। हम दोनों बचपन से ही गोटी खेलते थे, तब से झगड़ते आ रहे हैं। वो अक्सर मनमानी करता है, कभी मेरी बातें सुनता ही नहीं। उसका स्क्रू थोड़ा ढीला है, क्या करें, भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है। मैं तो आज तक उसे समझ ही नहीं पाई हूँ, बट आई स्टिल लव हिम। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। नमस्ते। ओके। मैं तो आज तक उसे समझ ही नहीं पाई हूँ, बट आई स्टिल लव हिम। ओ कांता, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठो। कौन सी बिरयानी है? बस मटन बिरयानी। अकेले खाए जा रहे हो? बस पेट अभी भी नहीं भरा, ये तीसरी है। देखा कांता, अपने साथ रहने वाले लड़कों का मैं कितना ज्यादा ख्याल रखता हूँ। खाने पीने के लिए मैं कभी किसी चीज की कमी नहीं रखता। अबे सत्या बुक्कड़ की औलाद, इसके सामने बैठ कर अकेले ही खाया जा रहा है, इसे नहीं दे सकता क्या? मेरा पेट नहीं भरा अभी तक। ठीक है, जा अंदर जाके खा। जाना। देखा ना कांता, सब खा खा करके कैसे सांड जैसे हो गए हैं, किसी काम के नहीं है ये। तू अकेला ही मेरे साथ काफी रहेगा, उसके बाद मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। प्लीज तू मेहरबानी करके ना मत कहना यार, तुझे जो चाहिए मुझे बता, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पैसा चाहिए ऐश करने के लिए या फिर लड़की चाहिए? लड़की? नहीं यार, लड़की कहाँ, तू तो मेरी बहन को पहले से ही ठुकरा चुका है। हेलो हेलो, यहीं पर बैठो, आराम से बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स। हेलो कांता। हाँ बोलो। तेरे लिए एक गुड न्यूज है, प्रिया तुझे ढूंढते हुए यहाँ मेरे पास आई थी। हाँ। और तुझे ये बात पता है, वो आज भी तुझसे बहुत प्यार करती है। एक्चुअली वो ये जानना चाहती थी कि तू उसे क्यों रूठा है। तू तो सब कुछ जानता है ना, तो खुद ही बता दे। अरे मुझे कैसे पता, इस वक्त मैं बिजी हूँ। हेलो, सच में इसका स्क्रू ढीला है, पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या करना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, वो मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ कांता, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं बॉस। बॉस? नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ,
दरअसल मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? हमारे घर की हालत तो आप अच्छे से जानती हैं। हाँ। मेरी माँ और मेरे बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही है। जानती हूँ। वो क्या है ना, मेरे दिए हुए पैसे माँ लेती ही नहीं है। हाँ। इसलिए मैं कुछ पैसे आपके हाथ में देता हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। आप कुछ भी बोलकर उन्हें ये पैसे थमा दीजिए। पर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे बहन जी, आजकल मेरा छोटा मोटा धंधा पानी चल रहा है, उसी में से थोड़े पैसे बचाकर बीसी में डाले थे। अच्छा। ये वही पैसे हैं। भगवान के लिए आप ये पैसे उधार बोलकर उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है भैया, मैं उन्हें दे दूंगी। अरे बापरे, ये मेरे आते ही मुझे रास्ते में मिल गया। ये मुझे देख के हाथी मांगेगा, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर निकल लेता हूँ। अरे रजनी रजनी रजनी, तू कब आया मैसूर से? मैं बस अभी आ रहा हूँ यार। तू यहाँ नहीं था तो लोग मुझे मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। रजनी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे लिए मैं कितना रो रहा था। अरे मैं पढ़ने गया था, अब तो आ गया ना, अब मैं यहीं रहूँगा तेरे साथ, तो फिर तू क्यों रो रहा है? फिर से नहीं जाएगा ना तू? कहीं नहीं जाऊँगा, पहले घर वालों से मिलता हूँ फिर तेरे पास आता हूँ। सुन रजनी। अरे क्या हो गया, इतना जोर से क्यों पुकार रहा है? मेरा हाथी कहाँ है? मैं भी कब से वही सोच रहा था, तेरा हाथी कहाँ पे चला गया? ये ले, निकाल ले तेरा हाथी। मेरा हाथी? ये भाग ना जाए, इसलिए बांध के रखना अपने घर पे। ये क्या, तू हाथी मरा हुआ क्यों लेकर आया? क्या करूं, जिंदा लाता तो इसे बांधने के लिए जगह भी नहीं है और खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। तू रोज 20 इडली खाता है ना, तो इसे भी रोज 20 इडली खिला। अपनी माँ से बोल दे, वो इसे जरूर खिलाएगी। फिर साइकिल के दुकान से पंप लेके आ, इसमें तू हवा भर, फिर देखना ये कैसे बड़ा हो जाता है। उसके बाद तू हाथी मेरे साथी के गाने गाए इसके साथ, चल 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 मेरे हाथी और मेरे साथी। अच्छा मैं चलता हूँ। देख मैंने तुझे हाथी लाके तो दे दिया, अब इसे संभालना तेरा काम। चलो, एक पागल से पीछा तो छोड़ गया, अब इसे लेकर घूमता रहेगा। मेरे हाथी को भूख लगी है, कुछ दो ना। माँ। हाँ रजनी। बेटा, अरे कैसा है तू? ये क्या, तू अचानक यहाँ चला आया, आने की कोई खबर तक नहीं दी? एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, तुम लोगों को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी माँ। अच्छा जी हाँ, अगर इसके आने की खबर पहले ही मिल जाती तो मैसूर के महाराजा का हाथी मंगवा कर उसको अंबारी बांध कर फिर इसे उसमें बिठा कर पूरे जुलूस के साथ इसे ले आते। कांता, तू जरा चुप रहेगा? हाँ 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 हाँ। अभी तो आया है और बस आते ही तूने इसका दिमाग खाना शुरू कर दिया। हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। तू देखते जा, इसे एक अच्छी नौकरी मिलने दे, इसे फूलों का हार पहना कर लोग इसकी तारीफ करेंगे। तू अंदर चल बेटा। हाँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ ले जाओ, अंदर ले जाओ। बच्चा जो है छोटा सा, इसे अच्छे से नहला कर फिर अत्तर छिड़क कर पेट भर खाना खिला कर वुड वाटर पिला कर अच्छे से सुला देना। हाँ सो जा मेरे राजा सो जा। पेट भर के खाना? हाँ बेटा। बस माँ, मेरा पेट भर गया, और कितना खिलाओगी? खाना बहुत बढ़िया बना है ना कांता? घर का खाना है पेट भर के खाना, हॉस्टल का खाना खा खा के कितना सूख गया है तू। क्यों बेटा, रात में तुझे नींद नहीं आती? सुना है तुम्हें किसी चिटफंड वालों ने धोखा दिया है, क्या ये बात सच है माँ? तू उसके बारे में क्यों सोचता है? मैंने अपनी सहेली से पैसे उधार लिए हैं। बस तू अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर। देखना माँ, तू फिक्र मत कर, मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा और तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा। अरे बाप रे। ठीक है पहले खाना तो खा। ये तो दीवार पिक्चर की कहानी हो गई ना। हा? अपने लाडले को बहुत अच्छी तरह से देख ले माँ। ये दुआ है मेरी रब से, मेरा भाई रजनी है दुनिया में सबसे बढ़ के, मेरा भाई है दुनिया में सबसे बढ़ के। इसे जब देखो तब मजाक मजाक मजाक, तुम फिक्र मत करो माँ, चलो बैठ कर खाना खा लो। ठीक है बेटा। ये है कर्जा वसूली की लिस्ट, शंकर भाई का 15 लाख, टायर वेंकटेश का 5 लाख, रमा बहन का 10 लाख रुपया, यानी मोटे की माने भी लिए। रजनी मैंने ये फूल लगाया, कैसा लग रहा है ये? अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसे ले जाकर किसी शादी के रिसेप्शन में बेच दे, तुझे 4 पैसे मिलेंगे, वो तेरे काम आएंगे। तो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे मजाक क्यों उड़ाऊं, भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारना और तेरा मजाक उड़ाना दोनों बातें बराबर है। क्या लाई हो इस थैली में जो इतना थक गई हो? रजनी वापस शहर जा रहा है ना, ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी आयुर्वेदिक दवा लाने के लिए बाजार गई थी। क्या रजनी रजनी रजनी, अरे छोड़ो ना माँ,
थोड़ा बहुत अपने सेहत का भी ख्याल रखो। वो दांत का दर्द मेरे से सहन नहीं होता। देखा, दांत में इतना दर्द है, पहले जाकर उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तंदुरुस्त रहना सीखो। रजनी का ख्याल रखना है तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना सीखो, समझ गई ना? जब देखो सुबह शाम रजनी रजनी रजनी। इस तरह से क्यों भी करता है? हे भगवान। ए, तू यहाँ पर क्यों आई है? एक बार मैंने कह दिया ना तो इस गली की तरफ तुझे वापस मुड़ना नहीं चाहिए, और तू सीधे मेरे एरिया में पहुंच गई। एक बार मैंने कह दिया ना, मामला खत्म। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, रजनी से मिलने आई हूँ। ओहो, रजनी, को एजुकेशन, क्लासमेट्स, कंबाइन स्टडी है ना? देखता हूँ। देखो बहन जी, तुम सब्जी भाजी का सबसे ज्यादा भाव मत लो, इसका भाव मैं जानता हूँ, ये हमारे ही गांव की पैदावार है। मैं 1 का 4 और 2 का 8 दूंगा बस। रजनी। अरे प्रिया जी, तुम यहाँ क्यों चली आई? अकस्मात तुम दोनों के बारे में यहाँ के लोगों को पता चला ना तो यहाँ के लोग गलत समझेंगे। उसे आजकल क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलेशनशिप क्या होती है उसे तो कुछ नहीं मालूम है, सबको वो एक ही तरह से ट्रीट करता है। क्या आपको एक बात पता है? नहीं पता। कांता कॉलेज जाना छोड़कर मेरे भैया के साथ काम करने लगा है। मेरे भैया एक क्रिमिनल है। क्या, तुम्हारे भैया एक क्रिमिनल है? जी हाँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? कांता को अपनी सारी इलीगल एक्टिविटी सिखाकर भैया ने उसे भी क्रिमिनल बना दिया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज कुछ कीजिए, चाहे जैसे भी हो, आप किसी भी तरह उसे इस दलदल से बाहर निकालिए। आई स्टिल लव हिम। देख, आज किसी भी तरह से सेटलमेंट हो जाना चाहिए, भाई ने बहुत सख्ती से कहा है, समझ गया? अरे रोक 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 रोक, इधर ही रोक। हाँ, कौन सी जगह बोल रहा है? यही तो है। ये जगह? हाँ यही तो है। अबे ये तो पागल खाना है, बॉस ने जो बोला वो जगह यही है, और कुछ मैं नहीं जानता। मुझे बहुत जोर से भूख लगी। मेरे राजा बेटा, जाकर बैठ जा, जल्दी से कुछ खाने को दो माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ए बुढ़िया सुन, ये जगह जल्द से जल्द खाली कर, यहाँ हमारे बॉस कंपनी बनाने वाले हैं, वरना जबरन हमें ये खाली करवाना पड़ेगा, समझी कि नहीं? थो, बकवास कर रहा है। ए, ए, कांदा, और कुछ चाहिए क्या? अब तू ही संभालिए। बोल देना। तू मेरी माँ की उम्र की है, इसलिए इज्जत से पूछ रहा हूँ, ये जगह खाली करेगी या नहीं करेगी? बकवास बंद कर। तेरी माँ रोज आकर मुझसे लड़ती है, और आज तू आया है मुझसे जगह खाली करवाने के लिए। चला जा यहाँ से। चलो। अरे ये क्या कर रहा है? चलो और नाटक बढ़ गया। पैसा देकर जाओ, पैसे देकर जाओ। सत्यानाश हो तुम्हारा, क्यों मेरे धंधे की बाट लगा रहे हो? ग्राहक बिना पैसे दिए ही भाग गया। दादागिरी करने आए हो? दादागिरी? हाँ दादागिरी करेंगे। काट के रख दूंगी। हाँ देख लेना। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, मेरे ग्राहकों को भगा दिया बिना पैसे दिए, वापस पता लाने दो, काट के रखूंगी। रुक जा बेटा रुक जा, पहले नासपीटों से तुझे पटक लूं। उन लोगों को भी बुलाओ ना खाने पे। अरे मेरे लाल, तुझे भूख लगी होगी ना, चल चल चल, मैं तुझे खिलाती हूँ। कांता, तुम्हें खांसी है ना, लो ये दवाई पी लो। मुझे खांसी है तो मैंने तुझसे कहा था क्या कि मेरे लिए खांसी की दवाई लेके आ? हाँ नहीं बोला था ना? ऐसी बात मत करो कांता, खांसी बढ़ जाएगी, ये लो दवाई पी लो। एक बार बोल दिया ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चल जा। तू सुनता क्यों नहीं, हमेशा अपनी जिद चलाता रहता है। सच में तू आजकल बहुत बदल गया है कांता। क्या हुआ, आजकल तो कॉलेज भी नहीं जाता है? अबे इससे तुझे क्या मतलब है? तुझे अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करनी है क्या? ए, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूं या ना करूं, इससे तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, मेरी फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। देखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सही नहीं है। हाँ आजकल पूरे शहर में फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो रेल बन रही है, इसलिए कोई भी रास्ता सही नहीं है। चल तू ही बता कौन सा रास्ता अपनाऊं। सुना है तुम प्रिया के भाई के साथ काम करने लगे हो, उसके रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? मिनिस्टर और सीएम की भी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, बोल। अबे क्यों तू मेरे दिमाग की बार बार दही कर रहा है? अरे कांता इतने जोर से मत बोल, माँ सुन लेगी तो उसे बहुत दुख होगा, पहले पिताजी ने उसे बहुत दुख दिया है। अबे सुनती है तो सुनने दे, जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ, सुबह शाम तू माँ 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 करता है, और माँ भी सुबह शाम रजनी 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 करती रहती है, यही चलता रहता है, बस मेरी कोई कीमत नहीं है क्या? तो मैं भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। नहीं छोटे,
तुम्हारा चुना हुआ रास्ता सही नहीं है। आगे चलकर हो सकता है कि माँ पर भी कोई मुसीबत आ जाए। मम्मी तो हर पल तेरी वजह से मुसीबत सहती आई है, तेरे पालन पोषण में, तेरी देखभाल में, तेरे मेडिसिन में, तेरे एजुकेशन में। ब्याज पे पैसे ले लेकर बेचारी कर्जे में डूबती चली जा रही है। सुन, माँ से सेवा करवाते रहना फर्ज नहीं होता, माँ की सेवा करना फर्ज होता है। जाके देख, सुबह से बेचारी दांत के दर्द से कैसी तड़प रही है। किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास ले जाकर उसका अच्छे से इलाज करवा। ये ले पैसे। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरा हाथ छोड़, मुझे गुस्सा आ रहा है। सच बता, तू कौन सा काम करता है जो तुझे इतने पैसे मिलते हैं? ये पूछने वाला तू कौन होता है बे? समझने की कोशिश कर, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तेरा बड़ा भाई हूँ और तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? क्यों लड़ रहे हो? चालू रखो ना, सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को तमाशा देखने दो ना। मेरे वर्षों की मेहनत का फल आज तुम लोगों ने दिया मुझे। बिना तुम्हारे पिता के, बिना किसी के सहारे तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, उसका तुमने अच्छा सिला दिया। बच्चों, रुक क्यों गए? लड़ो ना। एकांता, तुझे दूसरा कोई काम नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है, बता। क्यों माँ, हमेशा तुम्हें मेरी ही गलतियाँ नजर आती है ना। सुबह से लेकर रात तक लड़ाई झगड़े के सिवा तू और करता ही क्या है? तेरी वजह से मुझे हर जगह सर झुकाना पड़ता है, तेरी वजह से मुझे और कितने दुख दर्द झेलने पड़ेंगे ये तो ऊपर वाला ही जाने। इतना झूठ मत बोलो, मेरे लिए तुमने कभी दुख और दर्द उठाया ये तो मैं जानता ही नहीं। तुम दोनों के अलावा मैं किसके लिए दिन रात एक कर रही हूँ, बताओ? हा? तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए तकलीफ उठा रही हो। जब से होश संभाला है तब से देखता आ रहा हूँ, इसी अकेले के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो। अरे जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी तो मुझे अपनी कोख से पैदा क्यों किया? क्या कहा, क्या कहा तूने? बोलो बॉस। अबे तू मर्द है क्या? बोलना, तू मर्द है क्या? मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है तुझसे। आधा घंटे का टाइम दे रहा हूं, उसके अंदर काम हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? ये ले, खा ले बेटा। राजा बेटा, मेरा बेटा, थोड़ा सा पानी नहीं पिएगा क्या? स्कूल में सिखाया गया है खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए नहीं पिया। मेरा सियाना बेटा, आकर चल। अच्छा बता, स्कूल में तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? माँ, स्कूल में तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ रजनी है माँ। फटे हुए होठ वाला? नहीं माँ, देखो ऐसा मत बोलो माँ। अच्छा नहीं बोलूंगी, लेकिन उसका छोटा भाई कांता है ना, वो एकदम बदमाश है। उस कमीनी से ना कभी दोस्ती मत करना। तुमने सही कहा माँ, वो बहुत बदमाश है। रजनी बहुत अच्छा है माँ। रुको, क्या कर रहा है? करने को नहीं मानी, देख अब क्या हो रहा है। जल्दी पेपर ला। ये लो पेपर, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे राजा बेटा। तो चल, चल अपना काम कर। चल, मेरे बेटे की कैसी हालत कर दी इन गुंडों ने, मेरा राजा बेटा कैसी हालत कर दी मेरे बेटे की। कांता, पेपर मिल गया, चलना अभी। कभी भला नहीं होगा।
देख कांता, कांता अब यहां से निकलना होगा, चल। तुम सबको मैं बेकार में पाल रहा हूँ, एक भी काम के नहीं हो तुम लोग, सिर्फ खाकर मोटे हो गए। हाँ बॉस, जिस काम के लिए भेजा था वो सक्सेस, कल के कल ही वो रूम खाली करेगी। वेरी गुड कांता, मैं जानता था कांता अगर तू वहां पर गया तो काम पूरा करके ही लौटेगा। आ बैठना, चल बोतल खोल। अरे आप बैठना, नहीं आ बैठ, साथ में पीते हैं। नहीं मेरा मूड नहीं है। अरे साथ में बैठेगा तो मूड बन जाएगा। बॉस मैं एक 90 का पैक लगा दूं क्या? हाँ लगा ले, चल। थैंक यू बॉस। बॉस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो ना। आज के बाद मेरी जिंदगी में दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और आपको भी करने नहीं दूंगा। आपका पैसा मैं जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा। Hey, रुक जाओ। तुम इस वक्त शेर की माद में हो, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। उगते हुए सूरज और भागते हुए हाथी को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मुझे गौर से देख ले, मैं आग का गोला हूँ, जहाँ से गुजरता हूँ लोग डर के रास्ता साफ कर देते हैं। Hey! एक फटका मारूंगा ना तो यहाँ पी हुई दारू ही नहीं अपनी माँ का पिया हुआ दूध भी उल्टी कर दोगे। याद रखना, समझा दे इनको। ये क्या बॉस, आपके सामने धमकी देकर गया, आपकी इज्जत नहीं रखी और बात भी नहीं मानी। मुझे तो लगता है आप उससे डर गए हो। ये उसका कैरेक्टर था। अरे बाप रे, आप मुझे ऐसे बेवजह क्यों मार रहे हैं? ये मेरा कैरेक्टर है। ओह ऐसा क्या? शिकार को आजाद करके फिर शिकार करता हूँ। तुम्हारे पिता आज अगर होते तो शायद आज वो कंट्रोल में रहता। मैंने तुम दोनों को किस तरह से पाला है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। तो बचपन में बहुत बीमार रहा करता था मैं, और क्या करती, मेरा पूरा ध्यान तुझ पर रहता था और इसी बात को वो गलत समझ बैठा। वो बचपन से तंदुरुस्त था तो बताना मेरा ध्यान किसकी तरफ जाता। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने सोचा शायद वो बड़ा होकर समझेगा, लेकिन वो समझने की बजाय गलत सोचता ही गया। भगवान तू उसके फिक्र मत कर माँ, मैं उसे समझा बुझा कर यहाँ जरूर ले आऊंगा। तू रो मत माँ, रोती है तो अच्छा नहीं लगता। जल्दी करना, ए, जल्दी से टेबल करने में इसकी जान पर आ रही है। काम मर गया सबके, मिनट के काम में आधा घंटा लगाते हैं। कांता क्या बात है, आज तू बहुत उदास दिख रहा है, क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार। ज्यादा मत पी यार। सभी लोग तुझ पर तरस खाते हैं, यही कहते हैं कि बेचारा बहुत शरीफ है। वो सब झूठ बोलते हैं, तू तो छुपा रुस्तम है। कांता तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास क्या नहीं है? बाइक है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, माँ ने हमें मेहनत की कमाई से लेकर दिया है। जरा देख, तेरे पास तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी चीजें हैं, और तुझे क्या चाहिए? लेकिन माँ तो तेरे साथ है ना,
इससे बढ़कर और क्या चाहिए। माँ तो तेरी भी है ना छोटे। हाँ सही बोल रहे। अगर अचानक हम किसी नदी में समझ ले फंस जाएंगे तो माँ किसे बचाएगी बोल, तुझे या मुझे? वो पहले मुझे बचाएगी। इसलिए माँ हमेशा तेरी तरफ रही है, समझ गया ना? लेकिन तू बहुत गलत समझ रहा है कांता, तू मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए माँ को मुझसे भी ज्यादा तुम पर कॉन्फिडेंस है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ना तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए माँ मेरा ज्यादा ख्याल रखती है, समझा? मम्मी के पास कितनी साड़ियाँ हैं ये तुझे पता है क्या? हाँ मैं जानता हूँ, शायद 4-5 तो होंगी, वो भी बहुत सस्ती भाव वाली डिस्काउंट वाली लेती है बेचारी। वो भी डिस्काउंट में क्यों खरीदती है इसका तुझे अंदाजा है? हाँ पता है ना, उसमें से 2 पैसे बचेंगे तो मेरे ऑपरेशन के लिए और मेरे एजुकेशन के लिए काम आ जाएंगे। एक बात बताऊं छोटे, जिस दिन से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना ऑपरेशन, उस दिन से आज तक अपना चेहरा शीशे में भी नहीं देखा है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है मैंने तेरी खुशियाँ, मम्मी की खुशियाँ छीन कर अपने होठों की सर्जरी कराई, ऐसा लगता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास, माँ के पास हमेशा अपने दुख दबा कर रखने की कोशिश करता हूँ। सॉरी भाई, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तू मम्मी का ख्याल रख, मम्मी का तो हमेशा कर्जदार बनकर रहे। मम्मी अगर मेरा ख्याल नहीं रखी होती तो मुझे एक कदम भी आगे रखने में बहुत डर लगता। कांता, माँ तुझे निगलेक्ट करके सिर्फ मेरा ख्याल रखती है, ऐसा मत सोचना। बेचारी, मुझे माँ ने सब कुछ बताया, तुझे वो घर का बेटा समझकर नहीं देखती है, एक कर्ता कर्ता के रूप में देखती है वो। माँ ने मुझे सब कुछ बताया, ये बात तुझे नहीं पता। तुझे अकेले को ही माँ के फिक्र नहीं है, मुझे भी है समझा, लेकिन मेरे केयर करने का तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ बोल। अबे इधर ला, बस। वैसे भी तुझे ज्यादा पीने की आदत नहीं है तो हमेशा माँ का लाडला प्यारा बेटा बनकर रहे, इसे तो मैं हजम कर लूंगा। कांता चल छोटे घर चलते हैं। तुझे एक बात बताऊं क्या, सिर्फ एक बार मुझे भैया कह के बुलाना। क्या कहा? प्लीज सिर्फ एक बार मुझे भैया बोलना, बचपन से तुझे मैं देखता आ रहा हूँ, एक बार तो बोल दे। अबे चलना, इतने दिनों से मम्मी सेंटिमेंटल थी, अब तू भी सेंटिमेंटल हो गया क्या? हाँ ये ख्याल तो अपने दिल से निकाल दे, और कुछ है तो बता। क्या बात करूँ? और कुछ भी बात करना। अगर तू बुरा नहीं मानेगा तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कांता। प्रिया के बारे में क्या? हाँ यार, वो बेचारी तुझ में अपनी जान छिड़कती है, तू उसे धोखा मत दे छोटे। प्यार तो तू उससे करता है तो फिर मेरे सामने ये नौटंकी क्यों? अरे वो तो तूने डायरी से कविता का पन्ना फाड़ा था इसलिए नाराज था, तू गलत मत समझ, कविता लिखना तो मेरी हॉबी है। भले ही तू मुझे भैया कह के मत बुला, लेकिन कम से कम प्रिया को तो तू एक्सेप्ट कर ले। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, ये बात मैं तुझसे भी नहीं बताऊंगा और उसे भी नहीं बताऊंगा। तुम दोनों शादी कर लो। क्या हुआ रे? कांता, मेरी सर की कसम, मैं उसे प्यार नहीं करता छोटे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू उसे मेरी वजह से छोड़ रहा है, मुझसे कौन प्यार करेगा कांता? प्रिया बहुत अच्छी है, तुझसे कितना प्यार करती है, तू उसे कभी धोखा मत देना छोटे, वरना तू बहुत पछताएगा।
ऐसा प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरे भाई, तेरा ये छोटा किसी को भी धोखा नहीं देगा, चल चले। एक मिनट रुक प्लीज यार, फोन पे उससे बात कर ले, वो बहुत खुश हो जाएगी छोटे। हेलो। हेलो प्रिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? रुको। हाय प्रिया। कांता। सॉरी प्रिया, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। इट्स ओके, मुझे पता था तुम मुझे एक ना एक दिन जरूर कॉल करोगे। और क्या चल रहा है? हम शादी कब कर रहे हैं? एनी टाइम। आज नहीं, क्राउड नहीं रहेगा, सही तारीख देखकर तय करेंगे। ओके। वैसे तुम क्या कर रही हो, सो रही थी क्या? नहीं बाबा, तुम्हारी लिखी हुई कविता और ड्राइंग देख रही थी। ए, 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 एक मिनट रुको, ये कविता मेरी लिखी हुई नहीं है, रजनी की है। मैं तो लाकर सिर्फ दिखाता था, क्योंकि मुझे तुम्हें पटाना था ना, इसलिए। लेकिन एक बात है, हमारे फर्स्ट नाइट के बाद तुम कविता लिखो, कविता सुनाओ, ऐसा कहकर मेरा दिमाग मत खाना। राइटिंग का काम तो रजनी का है और फाइटिंग का काम मेरा है। आई हेट यू, यू आर सच अ लायर। इस संसार में लड़कियों का भी क्या रूप है, झूठ बोलो तो आई लव यू कहती है, सच बोलो तो आई हेट यू कहती है, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, Kanta. I love you too. बात अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। माँ चलो, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहे हो? अरे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो, एग्जाम में कब बैठना है ये पता करके आता हूँ मैं। सोच रहा हूँ पहले अपनी डिग्री पूरी कर लूँ। अगर मान लो रजनी उठकर मेरे बारे में पूछे तो बोलना मैं कॉलेज नहीं मार्केट गया हूँ सब्जी लाने के लिए, चलता हूँ मैं, बाय बाय बाय। अचानक इस लड़के को क्या हो गया है? सुना है रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन इंसान इतना जल्दी नहीं बदलता। चलो अच्छा हुआ है। माँ। हाँ? ये क्या माँ, इतनी रात को तुम पैकिंग करने लग गई, सुबह नहीं कर सकती थी क्या? अरे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से जा रहा है ना, अगर मैं सुबह करने लगूंगी तो देर नहीं होगी, इसीलिए अभी कर रही हूँ। ये कैमरा किसका है? ये हमारे पापा का है। अच्छा माँ। हाँ बेटा। मैं तुम दोनों का एक फोटो लेता हूँ। एक सेकेंड। रेडी स्माइल। अब हम तीनों का एक फोटो लेना है। रुको बाबा, फ्लैश होने से पहले मैं आप लोगों के पास आता हूँ। आजा आजा आजा। अरे क्या हुआ माँ? अरे धत तेरी की, देखा हम अपनी खुशियाँ मनाने में माँ के दांत का दर्द ही भूल गए। अच्छा चलो बताओ माँ कौन सी दवाई दूँ? वो गोली तो खत्म हो गई ना। गोली खत्म हो गई? क्या है ये? अच्छा रुको मैं लेके आता हूँ। कांता तो रुक, मैं लाता हूँ। अरे तू मम्मी का ख्याल रख, मैं लेके आता हूँ। कौन सी दवा लानी है ये मैं जानता हूँ, तो बैठ, मैं हूँ ना, ये भी माँ की सेवाई है, मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा, फिर तू ही है ना करने को। कैसा इंसान है। पैसे कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें होंगे, इसमें है। ये जैकेट मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर पहनूंगा तो कांता नाराज तो नहीं होगा ना? मैं नहीं खाऊंगी बेटा। अरे खाओ ना माँ, दोनों तू ही खा ले। मैं खाऊं? तो दो। तूने मेरा कोट क्यों पहना बे? अरे रहने दे बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है तुझ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद कांता, तुमसे मैं एक बात पूछूं? पूछो ना। देख सच बताना हाँ। तू इतना बदल गया है, इसका मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा ये बता, तुम दोनों रात को क्या बात कर रहे थे? सच बताऊं क्या? तो सुनो मेरी माँ, हम दोनों के लिए हमारी माँ ने दिन रात एक करके मेहनत की है, इसलिए
इसलिए इसलिए एक अच्छा सा आदमी देखकर उसके साथ आपकी शादी करने का फैसला किया। चल हट पागल। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। बेचारा रजनी छाता भी नहीं लेकर गया है, क्या होगा? एकांता, बारिश हो रही है बेटा, तू छाता लेके जा, उसे साथ ले आना ना बेटा। माँ, वो जैकेट पहन कर गया है ना, उसमें कैप भी है, वो आराम से आ जाएगा, तुम जरा शांत रहो ना माँ। ए, बारिश जोरों से हो रही है, तू जरा जाकर ले आना। जाना ना बेटा, मेरा अच्छा बेटा, जाना जाना बेटा। कीचड़ से मुझे बहुत चिढ़ है माँ। मेरा छाता कहाँ है? वो वहाँ है। ठीक है, मैं लाता हूँ। और जल्दी आना दोनों। हाँ, आ जाएंगे। जिस घर की बिरयानी खाकर पलता था तू, अब उसी घर का दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। प्रिया मुझसे प्यार करती है और मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। तुम खुद ही शादी करवा दोगे तो चार लोग खुशी से खाना खाकर जाएंगे, लेकिन अगर मुझे और प्रिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो चार जन नहीं, तुम पूरे 40 भी आ जाओगे तो यहाँ से सबकी अर्थी जाएगी, याद रखना। ए, जा कहाँ रहा है? देखो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दवाई लाने मेरा भाई रजनी गया है। उसके मिलते ही उसे घर ले जाकर गारंटी के साथ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उससे पहले अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की ना। ए, तू किससे बात कर रहा है पता है? से प्यार करता हूँ इसलिए खामोश हूँ, मुझे जाने दे, कल मैं खुद तेरे पास चल के आऊंगा, नहीं तो ए, खत्म कर दो इसे। Stop!
सब हो गया? हाँ हो गया, बस तैयारी समझिए। आपके शक्ल वाले दूसरे कौन है? आपका जुड़वा भाई है क्या? सिर्फ एक बार मुझे भैया कह के बुलाना प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे भैया बोलना। हाँ भैया। हम दोनों भाई जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। रजनी की बस एक ही इच्छा थी कि मैं उसे भैया कहूं, लेकिन आज जब मैं उसे भैया कह रहा हूं तो वो मेरे साथ नहीं है।